मेरा डॉक्टर हूँ और मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है. तो हाउ आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम द लास्ट 8 इयर्स. 8 साल पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था तो एंटर करना था, तो मैं जस्ट अपना पीजी खत्म करके आई ज्वाइंड जेजे हॉस्पिटल बॉम्बे. नाउ फ्रॉम देयर आई कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन देन आई व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन शिफ्टिंग टू माय होम टाउन आई वाज वेरी इंटरेस्टेड के आई वांट टू यूज दिस स्टॉक मार्केट एज अ सेकेंड एसेट फॉर इनकम. तो जैसे सब लोग करते हैं कि भाई आए, अपने को तो स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक कुछ पता नहीं था, तो आई ज्वाइंड अ फुल टाइम ब्रोकर. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फुल टाइम ब्रोकर एंड अ फुल फ्लेज्ड ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर. अब डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत सारे आ गए मार्केट में, वो टाइम पे तो एक ही था जीरोदा. अभी काफी आ गए मार्केट में, जीरोदा है, अपस्टॉक है, एंजल है, एलिस ब्लू है, और फुल फ्लेज ब्रोकर्स अभी भी चल रहे हैं जैसे HDFC, ICICI, शेर खान, एंजल इज अ फुल फ्लेज ब्रोकर, फिर कोटक है, बहुत सारे बहुत सारे. तो आई ज्वाइंट वन ऑफ द फुल फ्लेज ब्रोकर्स एंड जैसे सब करते हैं दे असाइन मी अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर. उसका काम था कि वो मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेट करे, कॉल्स बताए, अच्छे प्रॉफिट्स कमा के दे. वो मुझे कॉल्स देता था और मैं कॉल्स उसके कॉल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करता था. तो आई स्टार्टेड विद 1 लाख इन माय अकाउंट और एक 6 महीने में आई फाउंड दैट वो 1 लाख जो है वो 60-70,000 लॉस हो गया है. तो 20-30,000 बचे अकाउंट में. तो आई गॉट बैक टू हिम कि अरे सर ये तो अपने को तो प्रॉफिट कमाना था, ये तो लॉस होते जा रहे हैं, तो ये मार्केट इज नॉट स्टेबल, आपका कॉल्स आप गलत टाइम पे एंटर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो आई थॉट कि नहीं यार दिस ये वाला जो है ना ये हो नहीं रहा है. दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि आई हैड मेड माय फर्स्ट मिस्टेक ऑफ बीइंग टोटली डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स हू इज टेकिंग डिसीजंस फॉर माय मनी वेयर आई एम इन्वेस्टिंग. तो वो पहली मिस्टेक थी कि मैं एक फुल फ्लेज्ड ब्रोकर के साथ जुड़कर एक रिलेशनशिप मैनेजर के एडवाइस पर ही अपनी ट्रेडिंग कर रहा था बिना कुछ सोचे समझे. तो वो फर्स्ट मिस्टेक थी. मैंने सोचा कि नहीं यार ये वर्क नहीं करेगा, इससे तो स्टॉक मार्केट से कमा नहीं सके, थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहिए. तो देन आई मूव्ड अहेड, आई सर्च कि कैसे करते क्या करते. सो आई फाउंड अ व्हाट्सएप चैनल. दे वर प्रॉमिसिंग कि भाई आप हम आपको कॉल्स भेजेंगे, 2-3 हज़ार रुपये पर डे आप कमाओ. मतलब 2-3 हज़ार पर डे बहुत है अपने को कौन सा करना है. तो आई अगेन 1 लाख कर दिया अपने अकाउंट में और चालू किया ट्रेडिंग. अब प्रॉब्लम ये होती थी कि जब उनके कॉल आते थे तब मेरे पेशेंट रहते थे या उनका कॉल का एग्जिट का कॉल आता था तो मैं ओटी में रहता था. तो मैं वो कॉल्स बराबर से कर भी नहीं पा रहा था और वो कॉल्स इतने फास्ट रहते थे कभी कभी कि भाई एंटर करो एग्जिट करो एंटर करो एग्जिट करो. बाय द टाइम मैं वो कॉल पड़ता था तो उसका एग्जिट का कॉल आ जाता था. तो उसमें भी आई लॉस्ट अबाउट 60-70,000 रुपीज सेकेंड मिस्टेक. सो कॉल्स लेके भी कुछ फायदा नहीं हुआ. तो अब तो ऐसा हो गया था कि भाई आपको 2 लाख चले गए, उसमें से अपने को सिर्फ 40,000 बचे हाथ में और 1,60,000 अपन लॉस करके बैठे. अभी कुछ तो करना पड़ेगा, ये पैसे तो वापस लेने हैं मार्केट से. तो विद दैट अभी के पैसे तो वापस मार्केट से लेने हैं बोल के अपन ने PMS ज्वाइन किया. PMS इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर दोज हु डोंट नो. इट्स अ स्कीम वेयर पीपल आई हैव टू गिव माय पोर्टफोलियो टू समबडी, आई विल बी मैनेजिंग माय पोर्टफोलियो. मैं अपने अकाउंट में पैसे रखूंगा, वो पूरे कॉल्स करेंगे, मुझे अपना अकाउंट खोलना भी नहीं है. एंड ऑफ द डे मुझे देखना है क्या ट्रेडिंग हुई और क्या किया और क्या नहीं किया, एंड आई कैन डिस्कस विद देम कि क्या हुआ कैसे हुआ क्या. तो मतलब कि अभी 1,60,000 कमाने 2 लाख वापस डालते, 2 लाख वापस डाले और शुरू किया PMS सर्विस. और विद इन नेक्स्ट 7 मंथ्स 2 लाख के 1 लाख हो गए. तो स्टार्टिंग में 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया, 3 मिस्टेक हो गई. और तब मेरे को समझा कि भाई दिस इज नॉट द वे वन वर्क्स इन स्टॉक मार्केट. किसी और के भरोसे, किसी और के कॉल्स, किसी और के नॉलेज के भरोसे अपन पैसे नहीं कमा सकते. कमाना है तो कुछ सीखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. एंड देन आई शिफ्टेड टू नो ट्रेडिंग फॉर द टाइम टिल द टाइम आई फील दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू एंटर द मार्केट. सो आई स्टॉप माई ट्रेडिंग, आई वेंट इन टू लर्निंग फेज. आई डिड मेनी कोर्सेस राइट फ्रॉम foreign courses. I did video courses of Mark Minervi. Then I did many of the reputed Indian courses, right from option courses to positional courses. I even did personal only courses which are only teaching strategies. Even that I did. I did composite courses जो पूरा का पूरा mindset, personality ये सब develop करते हैं, वो भी अपन ने थोड़ा try किया. और उसमें भी then I ultimately realized
बेस्ट पॉसिबल वे फॉर अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल जिसके पास टाइम की कमतरता है, जब मार्केट आर शुरू है 9:15 से 3:30 वो टाइम पर ही हम भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सब चीजें जो मार्केट में सिखा रहे या बता रहे वो नहीं काम करती है बहुत बार। हमारे लिए हमारा प्रोफेशन प्राइमरी है, स्टॉक मार्केट सेकेंडरी है, और प्राइमरी प्रोफेशन में से उतना टाइम स्क्रीन को देना पॉसिबल नहीं होता है। तो बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज डूइंग इट इन अ सिस्टमैटिक वे। सो दिस इज व्हेन आई डिवाइस सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मेथड्स विच आई हैड लर्न फ्रॉम मेनी ऑफ माई वेंडर्स, एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मेथड से आई हैव बीन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल सिंस लास्ट 2.5 ईयर्स। Now I have shifted from the last 1 year on algorithmic trading and I am a algorithmic based system based trader. So मुझे screen time देना नहीं पड़ता है। And the whole idea behind taking these seminars and coming to you and doing this even on a Sunday is to get more and more people into this systematic way of trading. Prevent them from making losses, their hard earned money which they are earning, जो mistakes मैंने की वो mistakes दूसरे ना करे, इतने पैसे ना कमाए और simple तरीके से भी market से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो how many of you resonate with the journey which I have gone through? कितने लोगों को ऐसा journey है कि calls लिया calls नहीं हुए? Type yes in the chat box अगर आपका भी ऐसा कोई journey है या experience है कि भाई किया और नहीं हुआ। Yes, yes, yes. So yes, many of the people, most of us have been a part and parcel of this game. And yeah. So coming back from that day, I decided that I will not trade on others' calls. जो भी mistakes करनी है खुद करेंगे, खुद करके खुद सीखेंगे, but mistakes इतने भी बड़े नहीं होने चाहिए कि next opportunity ही ना ले पाए। Because as they say, if you don't bet, you cannot win. अगर आप lottery की ticket ही नहीं खरीदोगे तो lottery की ticket जीतोगे कैसे? But if you lose all your chips, you cannot bet. अगर आपने एक ही लॉटरी की टिकट में अपने पूरे पैसे डाल दिए तो नेक्स्ट टाइम लॉटरी की टिकट भी नहीं खरीद पाओगे। तो द मेन आइडिया बिहाइंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग टुडे, देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट, अलग अलग टेक्निक्स रहती है। आप इन्वेस्टर है तो अपना एक अलग स्ट्रैटेजी अपन रखते हैं, अगर अपन पोजिशनल ट्रेडर है तो अपन अलग स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। आज अपन सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। So as far as bank nifty trading is concerned, you have to be very careful because bank nifty is a wild horse, एक जंगली घोड़ा है, ये बहुत fast भागता है, कहीं भी उछलता है, कभी भी बैठ जाता है, कभी भी नीचे आ जाता है। तो you have to be very careful with your stop loss, आपको अपने stop loss के साथ बहुत अच्छे से काम करना है, because अगर आप अपना capital lose कर दोगे तो आप नहीं कर पाओगे। And the most important factor जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेगा स्टॉक मार्केट में, इट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू कैन बी इन द मार्केट। आप जितने दिनों तक मार्केट में रहोगे उतना आपका प्रॉफिटेबल होने का चांस बढ़ेगा। जितना कम समय के लिए आप मार्केट में हो, आपके लॉस में एग्जिट होने के चांसेस कम रहेंगे। सो ऑलवेज थिंक ऑफ स्ट्रैटेजीज, अपने को एक का सौ करने वाली स्ट्रैटेजीज अच्छी लगती है, बट वो एक का एकदम से एक रुपए में से अपने 70 पैसे निकालने वाली स्ट्रैटेजी रही तो अगली बार लगाने के लिए एक रुपए भी ना रहे, ऐसा ना रहे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अपन इसके बारे में भी अपने वेबिनार में देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद द वेबिनार, okay, so is the screen visible? Type yes. Okay, so moving ahead,
Yeah, so I guess everybody can see the screen now. Okay, let's start. So, option trading ke andar, first principle is we have to stick to a system. And as they say, trend is our friend. We have to stick with the trend. अभी कुछ स्ट्रैटेजीज है जो अगेंस्ट द ट्रेंड भी लेते हैं और वो भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन बेसिक प्रिंसिपल्स पे बात कर रहे हैं. वी विल स्टिक टू अ सिस्टम, वी विल फॉलो द ट्रेंड एंड 15 मिनट्स के चार्ट्स अपन देखेंगे. एंड सिस्टम्स फेल, सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल. सो अपने को सिस्टम्स में रह के काम करना है, बिकॉज इफ यू फॉलो अ सिस्टम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल रदर देन डूइंग रैंडम ट्रेडिंग and being successful. So options are very powerful systems. They have the power to make you bigger or beggar. ये इतने powerful रहते हैं कि ये 10,000 को 1 lakh में convert करा सकते हैं, लेकिन 10,000 को 1,000 करने में भी time नहीं लेते हैं. It is a double-edged sword. अभी options के बारे में लोग इतना क्यों crazy है या फिर इतना क्यों इसके बारे में hype है? क्योंकि अगर अपन देखते हैं कि Reliance के shares अगर अपन खरीदते हैं और 500 शेयर्स, 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस अगर अपने को खरीदना है, तो आज की तारीख में करीब करीब 5,98,000 रुपीस अपने पास होना चाहिए तो अपन 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस खरीद पाएंगे, है ना. अभी यही चीज अगर अपने को फ्यूचर में करनी है तो 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस का अपने पास 1 month का कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल कॉस्ट अस ओनली 1,32,000 रुपीज एज कंपेयर टू 6 lakh. 1/4 में काम हो जाता है फ्यूचर में, है ना. तो कितने लोग यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलरेडी करते हैं और कितने बिगनर्स हैं? इफ यू आर अ बिगनर टाइप बी, इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग अ ट्रेडर टाइप टी, हाउ मेनी ऑफ यू नो द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स? इफ मोस्ट ऑफ यू नो, देन आई विल गो अ बिट फास्ट. ओके, बिगनर ट्रेडर, 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 बिगनर. ओके, सो कैन गो अ बिट फास्ट सिंस मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी नोइंग द बेसिक्स. और ये चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है ऑप्शंस में, बिकॉज द राइट टू सेल और बाय रिलायंस शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month वी कैन हैव एट द लीस्ट कॉस्ट ऑफ 15,850 रुपीज. तो 15,850 रुपीज तो 5,98,000 के कंपैरिजन में 10% भी नहीं आ रहे, लेस देन 10% में अपना काम हो जाता है. और अगर अपना प्रॉफिट वैसे ही होता है जैसा फ्यूचर या ऑप्शंस बढ़ने के बाद होता है, फ्यूचर या स्टॉक का प्राइस बढ़ने के बाद होता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू फ्यूचर या फिर स्टॉक्स, जहां पर अगर अगर 100 रुपए स्टॉक बढ़ता है तो 4% का इंक्रीज मिलता है कैश में, फ्यूचर में मिलता है 19% का रिटर्न ऑन आर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,32,000. लेकिन ऑप्शंस में ये रिटर्न हो जाता है 105%. तो इसीलिए ये जो चीज जो ऑप्शंस अपने को देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेवरेज. लेवरेज सादी भाषा में बोले तो एक बहुत भारी चीज को सरकाने के लिए अगर छोटी सी चीज का यूज करके कम फोर्स में काम हो जाए तो उसको लेवरेज बोलते हैं. वैसी ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों ही लेवरेज प्रोवाइड करते हैं. उसमें भी ऑप्शंस अपने को लेवरेज ज्यादा अच्छे से देता है. अभी ऑप्शंस क्या रहते हैं? तो ऑप्शंस आर सिंपल. चलो अभी ट्रेडर्स है, फटाफट लेट्स गेट फास्ट. इफ द मार्केट इज गोइंग अप, वी विल बाय अ कॉल ऑप्शन और अ पुट ऑप्शन. कम ऑन, टाइप फास्ट. If you are expecting the market to move up, which option will you take? Which option will you buy? Call option or put option? Type call if you will buy a call option. Type put if you will buy a put option. Come on, be fast. Yes, see. Very good. So, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वी विल बाय अ कॉल ऑप्शन. एंड इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन, देन वी विल, अभी अपन बाय के बारे में बात कर रहे हैं. अभी अपन कानी जी, वी आर ओनली बाइंग ऑप्शन अभी बात कर रहे हैं, सेलिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा. इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन देन वी आर बाइंग अ पुट. यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं जी. सो कम ऑन, अभी अपोजिट ऑफ बाइंग अ कॉल इज, अपोजिट ऑफ बाइंग अ कॉल इज Put, right? Wrong. Buying a call is not opposite of buying a put. Buying a call
अपोजिट एक्शन इज सेलिंग अ कॉल. जब आप कॉल बाय कर रहे हैं तो आपका पुट वाले से कोई लेना देना नहीं है. When you are buying a call, you are buying from a person who's selling a call. And when you are buying a put from a person who's selling the put. So call buyer का put buyer से कोई relation नहीं रहता है directly. वो अलग बात है कि call बढ़ता है तो put कम होता है, put बढ़ता है तो call कम होता है. But call buyer is not directly related to put buyer or seller. Call buying is not opposite of put buying. Call buying is opposite of call selling and put buying is opposite of call selling. Got this? Clear? Yes, Sunita ji. Yes. Not put selling. Not put selling, Swami ji. Selling a put is opposite to selling a call. Call buy karna is like selling a put. Selling a put is like buying a call. Lekin call ke opposite mein kaun baitha hai? Jaise agar meko Reliance ka share kharidna hai, to I will buy the share of Reliance from somebody who is ready to sell the share of Reliance. जो रिलायंस के शेयर बेचेगा मैं उससे रिलायंस के शेयर खरीदूंगा, है ना. वैसे अगर मुझे कॉल खरीदना है बैंक निफ्टी का, तो एक बंदा है जो कॉल निफ्टी का कॉल बेच रहा है, मैं उससे खरीदूंगा, मुझे पुट वाले से कोई लेना देना नहीं है. गॉट इट? यस यस, कम ऑन. यस, तो अभी कॉल और ये पुट का ये बेसिक वाला डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस गेट कंफ्यूज अबाउट कॉल बायर्स, कॉल सेलर्स, पुट बायर्स, पुट सेलर्स. हो जाएगा. कॉल बाइंग का बेसिक देख लेते हैं कि अभी एक कॉल ऑप्शंस बाइंग क्या रहता है. अभी व्हेन यू आर बाइंग अ हाउस, इफ आई वांट टू बाय अ हाउस, इट द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज 1 crore. अब मेरे पास 1 crore रुपी नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पे अ प्रीमियम, अ टोकन टू द ओनर ऑफ द हाउस कि भाई ये 10 lakh रुपए रख लो और मुझे ना टाइम दे दो, मैं 6 महीने बाद आपको वो पैसे अरेंज करके देता हूँ, 6 महीने बाद में ये घर आपसे 1 crore में खरीद लूंगा. तो द टोकन अमाउंट विच आई हैव पेड टू द owner of the house is akin to the premium which I am paying as a option buyer to a option seller. The agreement price, 1 crore ka house khareedna hai, the agreement price is akin to, is similar to the strike price. Ye strike price pe main ghar khareedunga, 1 crore pe main ghar khareedunga. Duration of the agreement, ki bhai 6 mahine mein mujhe wo ghar khareedna hai, is akin to the duration of the contract. The contract duration 3 hamesha market mein available rehte hai. नियर मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ. तो आप जब भी देखेंगे तो ये अपने को 3 ऑप्शंस अपने को मार्केट में दिखते हैं. अभी इंश्योरेंस अपन बहुत सब लोग खरीदते हैं, तो कमिंग बैक टू इंश्योरेंस, बहुत टाइप के इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस. अभी अपन जब इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वी पे अ प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी कि भाई ये मेरा इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम ले लो, इंश्योरेंस का प्रीमियम ले लो, और 1 साल में अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो मेरी बीमारी का खर्चा आप लोग उठाओगे. तो वी आर ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ आर इलनेस टू इंश्योरेंस कंपनी. 1 साल में अगर समझो मैंने व्हीकल का इंश्योरेंस लिया कि भाई 1 साल का प्रीमियम भर दिया, अगर 1 साल में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो मैं गाड़ी को इंश्योरेंस के लिए पैसे लगने जो है वो आपको बताऊंगा, वो आप मुझे पे कर देना. तो गाड़ी का एक्सीडेंट का रिस्क मैंने इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, तो मैं प्रीमियम खरीद रहा हूं उनसे, रिस्क बेचकर मेरी रिस्क इंश्योरेंस कंपनी खरीद रही है. तो ये ट्रांजैक्शन में आप लोगों को कौन लगता है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कौन रहता है? इंश्योरेंस बाय करने वाला कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है या इंश्योरेंस सेल करने वाला कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है? अगर आपको लगता है कि बाय करने वाला प्रॉफिटेबल है, यस गुड, तो इंश्योरेंस कंपनी सेल जो करती है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहती है. ये एक इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल अभी आप एक दिमाग में रख लो, अपन आगे जाके इसको और अच्छे से समझेंगे. अभी इंश्योरेंस सेलर्स कभी भी प्रॉफिटेबल है, वैसे ही ऑप्शन सेलर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हैं, इतना ही अभी ध्यान में रखो, बाकी अपने को जो भी सीखना है अपन आगे देखेंगे. तो अपन ऑप्शंस के बारे में जब बात करते हैं तो अपन ये 5 चीजें देखते हैं. ऑप्शंस जो है दे आर ऑलवेज ट्रेडेड इन साइज, एक लॉट साइज रहता है, उस लॉट साइज में ही अपने को ऑप्शंस मिलते हैं. जैसे अगर निफ्टी खरीदना है तो 50 का लॉट साइज है, बैंक निफ्टी खरीदना है तो 25 का लॉट साइज है, रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं तो 250 का लॉट साइज है. ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का साइज जो है वो 7 से 10 lakh के बीच में रहता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहे, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, जो भी शेयर्स रहेंगे उनके, ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली एक 6 से 10 lakh के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का साइज रहेगा.
डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट लॉट साइज रहता है डिपेंडिंग ऑन उनका करंट मार्केट प्राइस क्या है. जितना करंट मार्केट प्राइस ज्यादा उतना लॉट साइज कम. जैसे रिलायंस 2500 के करीब है तो 250 है. वैसे अगर ऐसे कोई शेयर है जो 5000 6000 का है तो उसका और कम हो जाएगा लॉट साइज. अगर करंट मार्केट प्राइस कम है तो लॉट साइज बढ़ जाएगा. जैसे अगर ITC है वो 200-250 का शेयर है तो उसका लॉट साइज 2000-2500 का हो जाएगा. तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 10 लाख के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का साइज रहता है. तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 से 10 लाख की है, उसको ट्रेड करने के लिए अपने को कितने लगते हैं, अपने देखा 1,20,000 के करीब लगते हैं. अभी सेकेंड चीज जो अपन देखते हैं मंथ ऑफ एक्सपायरी. जितनी नजदीक मंथ ऑफ एक्सपायरी रहेगी उतना प्रीमियम कम लगेगा, जितना दूर एक्सपायरी का मंथ रहेगा उतना प्रीमियम ज्यादा लगेगा. जैसे अगर इंश्योरेंस अपन 1 साल के लिए कर रहे हैं तो कम प्रीमियम लगेगा, अगर 6 साल के लिए करोगे तो ज्यादा प्रीमियम लगेगा. अभी ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ये डेरिवेटिव रहते हैं. डेरिवेटिव क्या चीज रहती है कि ये अपने इनकी खुद की वैल्यू खुद से नहीं रहती है, इनकी वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलाइंग पे. अभी अंडरलाइंग क्या है, अंडरलाइंग ऐसा पकड़िए कि अंगूठी है सोने की, तो सोना जो है वो उसका अंडरलाइंग धातु हो गया. सोने का कॉस्ट बढ़ेगा तो सोने की अंगूठी का कॉस्ट बढ़ेगा. तो सोने की अंगूठी इज डेरिवेटिव ऑफ सोना. सोने की अंगूठी का पर से कॉस्ट नहीं बढ़ेगा जब तक सोने का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा. वैसे ही रिलायंस के शेयर्स का कॉस्ट बढ़ेगा तो ही रिलायंस के कॉल का वैल्यू बढ़ेगा. रिलायंस के कॉल का वैल्यू अपने आप नहीं बढ़ते रहेगा अगर रिलायंस का शेयर नहीं बढ़ रहा है तो. तो इनका वैल्यू डिराइव होता है किसी से, इसलिए उनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं. स्ट्राइक प्राइस क्या रहता है, अभी स्ट्राइक प्राइस जो है ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस पे मार्केट कॉल और पुट के ऑप्शंस को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं. कि अगर रिलायंस समझो 2400 है तो 2400 का कॉल 2400 का पुट, 2420 का कॉल 2420 का पुट, 2440 का कॉल 2440 का पुट. वैसे ऊपर के साइड में 2180 का कॉल 2180 का पुट, 2160 का कॉल 2160 का पुट. ऐसे टेबुलर फॉर्म में एक के नीचे एक स्ट्राइक प्राइसेस अरेंज रहते हैं. जितना करंट मार्केट प्राइस के नजदीक स्ट्राइक प्राइस रहेगा कॉल का, उतना उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा. और जितना करंट मार्केट प्राइस के सबसे नजदीक वाला जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसको बोलेंगे एट द मनी कॉल. जो करंट मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के सबसे नजदीक वाला जो रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा एट द मनी. तो अगर रिलायंस 2238 है तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 2240 एट द मनी. ये हो जाएगा एट द मनी क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस जो है वो सबसे नजदीक है करंट मार्केट प्राइस के. और जितने कॉल स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा वो रहेंगे आउट ऑफ द मनी. ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस विच आर ग्रेटर देन द करंट मार्केट प्राइस विल बी आउट ऑफ द मनी एंड ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस विच आर लेसर देन द करंट मार्केट प्राइस विल बी इन द मनी. ठीक है, तो ये बेसिक है, ये तो सबको मालूम ही है मेरे ख्याल से. और अभी मोस्ट ऑफ यू नो हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन चार्ट. सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस ये पता है, बट ऑप्शन चेन यूज कैसे करते हैं ये पता है किसी को? ऑप्शन चेन, हाउ यू यूज ऑप्शन चेन टू डिसाइड व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. इफ यू नो टाइप यस, इफ यू डोंट नो टाइप नो. नो, ओके, गुड. So I'll tell you that. So coming back here, तो ये अपना है ऑप्शन चेन और हमको अभी देखना है बैंक निफ्टी. तो ये आ गया बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन. अब बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन जो रहता है इसके अंदर प्राइजेस आर अरेंज्ड
वन बिलो द अदर. तो अगर अभी अपन देखेंगे तो द क्लोजेस्ट प्राइस विच बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग इज 38,500. तो ये 38,500 जो हो गया, दिस इज द एट द मनी स्ट्राइक प्राइस. अभी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितने कॉल ऑप्शंस है, जैसे 38,600, 700, 800, ये सब 38,500 से ज्यादा है, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गए. और जितने 38,500 के नीचे है वो इन द मनी हो गए. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कलर भी डिफरेंट आता है. और पुट में ये एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है कि जितने पुट के प्राइजेस 38,500 से नीचे रहेंगे वो इन द मनी रहेंगे, और जितने पुट ऑप्शंस 38,500 के कम रहेंगे वो इन आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, है ना. तो कॉल का एग्जैक्टली अपोजिट पुट का रहेगा इन द मनी आउट द मनी कंसेप्ट. अब अपने को देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं. तो 38,500 लेवल पर अपन देखते हैं ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट, व्हाट डज ओपन इंटरेस्ट डिनोट? ओपन इंटरेस्ट डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस. वो स्ट्राइक प्राइस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है. अभी अपना जो इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल है अपन वो निकालते हैं कि ऑप्शन सेलर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हैं. तो अगर कोई स्मार्ट मनी है जिसके पास पैसा ज्यादा है तो व्हाट विल दे प्रिफर, बाइंग एन ऑप्शन या सेलिंग एन ऑप्शन? टाइप इन द चैट बॉक्स, बाय करेंगे कि सेल करेंगे? सेल. तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कंसिडर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ओपन एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इज द वैल्यू ऑफ द सेलर्स. वो लेवल पे जितना भी ओपन इंटरेस्ट है वो सब सेलर्स है, ऐसा अपन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन करते हैं. और अगर 38,500 पे 38,626 कॉल सेलर्स बैठे हैं और 38,500 पे 44,687 पुट सेलर्स बैठे हैं, तो व्हाट विल द कॉल सेलर्स ट्राई? 38,500 से प्राइस ऊपर जाना चाहिए या नीचे रहना चाहिए कॉल सेलर है तो? If I am a call seller at 38,500 call option, if I am a call seller at 38,500 level, when will I make profit? When the market is moving above 38,500 or market is staying below 38,500? Down चाहिए. Yes, exactly. अगर मैं call buyer हूँ 38,500 पर, तो जब कॉल ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा. जब कॉल 38,500 के नीचे रहेगा तो मैं सेलर हूं तो ही प्रॉफिट कमाऊंगा. अगर मैं बायर हूं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होएगा. वैसे ही अगर 38,626 लोग 38,500 लेवल पे बैठकर ये ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट 38,500 के नीचे रहे, वही टाइम पर 44,687,000 पीपल ऑफ पुट सेलर्स आर ट्राइंग के मार्केट 38,500 के ऊपर रहे. व्हाट इज क्लियर? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर. टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स इफ द कंसेप्ट ऑफ दिस इज क्लियर. यस, थैंक यू. सो अभी अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से लेवल पर है कॉल का. तो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट रहेगा वो अपना क्या डिसाइड करेगा? रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए ये डिसाइड करेगा. आई लेट एक्सप्लेन अगेन. थर्ड, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इज द नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस. सो इफ 38,600 seller of call option are present at 38,500 strike price, 38,500 strike price per 38,600 call sellers baithe hai, to what do these 38,600 call sellers want? They want the market to be below 38,500. Tabhi wo profit kamayenge. Because they have been
सेलिंग 38,500 कॉल, तो 38,500 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो द कॉल सेलर्स एट 38,500 विल बी इन अ लॉस. अग्री? 38,500 के कॉल सेलर्स अगर मार्केट 38,500 के ऊपर जाएगा तो लॉस में रहेंगे, और 38,500 के नीचे रहेगा तो कॉल सेलर्स प्रॉफिट में रहेंगे. गॉट इट? यस. सो एट 38,500 लेवल अगर 38,600 पीपल आर ट्राइंग टू कीप द मार्केट डाउन, इट मींस दे आर प्रोवाइडिंग अ रेजिस्टेंस टू द मार्केट टू नॉट मूव अबाउट 38,500. अग्री? अग्री? नंबर ऑफ पीपल एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, द कॉल सेलर्स इफ दे आर सिटिंग देन दे विल प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस टू मूव अबाउट दैट लेवल. कॉल सेलर्स विल बी resisting the market from moving up. Agree? Clear? Type clear in the chat box. Got this? और वही time पर put option sellers जो रहते हैं वो क्या करते हैं? They are sitting at 38,500. What do they want? They want the market to stay above 38,500, and they are 44,687 put sellers. So they are trying to keep the market from going below 38,500. So put sellers will act as support. Agree? Call sellers will act as resistance. Put sellers will act as support. वही तो सुनीता जी, जो अभी मैंने बताया ना कि इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी में सेलर्स रहते हैं. अगर इंश्योरेंस कंपनी सेल करेगी तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहेगी, तो जिनके पास पैसा ज्यादा है वो ऑब्वियसली सेलिंग ज्यादा प्रिफर करेंगे बाइंग से, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है उनको. तो कॉल सेलर्स विल बी मोर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल. ओके, okay, let me do this one thing. Yeah, I'll explain it on the screen. Don't worry. See, this is the level 38,500. Up 38,500 pay, there are 38,626 open interest. अभी अपने just देखा कि insurance company अगर है तो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि वो इंश्योरेंस सेल करती है. वैसे ही ऑप्शन सेल करने वाले लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हैं. तो जिनके पास पैसे ज्यादा है, जो स्मार्ट मनी है, अपन एज्यूम कर रहे हैं कि वो हमेशा सेलर ज्यादा प्रिफरिंग करते हैं सेलिंग रेदर देन बाइंग ऑप्शन, है ना. दिस इज द बेसिक अजम्पशन ऑन विच द एंटायर ऑप्शन चेन इज बेस्ड, कि ऑप्शन चेन में सेलर्स का ही एंट्री अपन कंसिडर करते हैं. एंड सिंस मोस्ट ऑफ द स्मार्ट मनी इज ऑप्शन सेलर, वी कंसिडर कि ओपन इंटरेस्ट जितना भी है वो सेलर्स का है, बायर्स का नहीं है. तो कंसिडरिंग दिस बेसिक अजम्पशन, अगर 38,626 पीपल आर सिटिंग एट 38,500 लेवल, व्हाट डू दीज 38,626 पीपल वांट? दे वांट दैट मार्केट शुड नॉट मूव अबाउट 38,500. ये 38,500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ओपन इंटरेस्ट में बैठे हुए कॉल ऑप्शन सेलर्स का नुकसान हो जाएगा. उन्होंने जो कॉल खरीदा है वो उसका भाव बढ़ जाएगा, तो उनको महंगे में खरीदा है सस्ते में
और महंगे में बेचना खरीदना वापस बायबैक करना पड़ेगा. दे आर सोल्ड एट 100 रुपीज. अभी अगर मार्केट 38,500 से 38,800 हो जाता है तो 38,500 जो 100 में उन्होंने बेच दिया उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 250-300 के करीब हो जाएगा. तो दे हैव सोल्ड इट एट 100 एंड दे विल हैव टू बाय बैक एट 300. उनको 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाता है 300 पॉइंट. तो व्हाट दे विल ट्राई, दे विल ऑलवेज ट्राई टू कीप द मार्केट बिलो 38,500. क्लियर? अभी अपोजिट पार्टी कौन है इनके? इनके अपोजिट में कौन बैठे हैं ऑप्शन चेन में? यहां पर बैठे हैं 44,687 पुट ऑप्शन सेलर्स. अभी पुट ऑप्शन सेलर्स क्या कर रहे हैं? दे वांट द मार्केट टू स्टे अबव 38,500. क्योंकि अगर 38,500 के नीचे मार्केट चला जाएगा तो पुट ऑप्शन सेलर्स का नुकसान हो जाएगा. तो दे वांट द मार्केट टू स्टे अबव 38,500. अग्री? क्लियर? अभी 38,500 लेवल पे पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे को जब मार्केट खत्म हुआ तब ज्यादा था, इसीलिए मार्केट 38,500 के नीचे जब भी आना चाहता है तो ये मार्केट को ऊपर पुश करेंगे ताकि 38,500 ब्रेक ना हो. ये हो गया लेवल बाय लेवल. एक ही स्ट्राइक प्राइस पे अपन ने देखा कि टसल कहां पे हो रहा है, टग ऑफ वॉर कहां हो रहा है, पुट ऑप्शन सेलर्स कॉल ऑप्शन सेलर्स से कैसे लड़ रहे हैं टू मूव द मार्केट. अब अपन डिसाइड करेंगे कि अभी नेक्स्ट लेवल अगर मार्केट मूव करता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहां है. तो रेजिस्टेंस कहां से मालूम चलेगा? कॉल सेलर से. और सपोर्ट कहां से मालूम चलेगा? पुट सेलर से. ठीक है? क्लियर? तो अपने को अभी देखना है कि अगर 38,500 लेवल टूटता है और मार्केट ऊपर चढ़ना चालू होता है तो विच इज द स्ट्राइक प्राइस विच इज हैविंग द मैक्सिमम रेजिस्टेंस. द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज देयर एट 58,906 at 39,000 levels. So 39,000 call option sellers are maximum present at 39,000 levels. So most resistance the bank Nifty will face at 39,000 level. The second resistance which they will face is at 38,800 level. And the immediate resistance which they will face is at 38,700 level. So this is the maximum resistance. And the next two resistance are the immediate resistance. After 500, 38,500, the immediate resistance are 38,700 and 800. Agar 38,700, 800 bhi cross ho jate hai, to next big resistance is at 39,000 level. Ab कंसिडर करते हैं कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है और पुट ऑप्शन सेलर्स नहीं डिफेंड कर पा रहे 38,500, तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कहां पर है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इज एट 41,000 पुट ऑप्शन सेलर्स विच इज प्रेजेंट एट 38,000 लेवल. ठीक है? दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. एंड वॉट इज द इमीडिएट सपोर्ट? अभी आप देखेंगे तो यहां पर ये 44,000 है, उसके बाद में इमीडिएट सपोर्ट्स में 13,000 ये एक 16,000 है यहाँ पे. तो ये 16,000 कौन से लेवल पर है? 38,200. सो 38,200 पर एक इमीडिएट सपोर्ट है एंड द नेक्स्ट बिगेस्ट सपोर्ट इज एट 38,000 लेवल्स. ठीक है? व्हेन वी आर सीइंग दिस वी आर ऑल्सो सीइंग कि इसके अपोजिट में इसको अगर ये लेवल पे आता है तो कितना आज की तारीख में कितना ओपन इंटरेस्ट इसके अगेंस्ट में खड़ा है. तो 41,000 के अगेंस्ट में सिर्फ 9,000 खड़ा है और 16,000 के अगेंस्ट में सिर्फ 2,000 खड़ा है. बट ये डेटा कब का है? दिस इज डेटा ऑफ फ्राइडे क्लोज. दिस इज ऑप्शन चार्ट. ऑप्शन चार्ट डायनामिक रहता है. जैसे अगर अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे बना दिया तो इट इज अ स्टैटिक थिंग. अब वो मार्केट कैसे भी जाए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं हिलता है. लेकिन ऑप्शन चेन डाटा जो है इट इज डायनामिक, ये मूव होते रहता है. तो एवरी एक घंटे में अगर आप देखेंगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी वी आर सिटिंग इन द मार्केट एंड इट इज 9:30 AM एंड वी आर सीइंग दिस डाटा,
अभी एक घंटे बाद ऐसा होता है कि ये 41,000 जो है ये 30,000 हो जाता है, और ये 9,000 जो है ये 20,000 हो जाता है। इट मीन्स कि 38,000 लेवल का 41,000 पुल ऑफ पुल राइट पुल ऑफ पुल पुट ऑप्शन राइटर्स 41,000 से 30,000 हो गए, यानी पुट ऑप्शन राइटर्स कम होते जा रहे हैं, कॉल ऑप्शन राइटर्स बढ़ते जा रहे हैं। इट मीन्स मार्केट इज मूविंग डाउन, वो अपना रेजिस्टेंस नीचे 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 लेके आ रहा है, 38,500 से 38,400, 38,400 से 38,300। वैसे ही अगर उल्टा होता है उस दिन, अगर मंडे मॉर्निंग अपन बैठे हैं 9:30 बजे यही डाटा है और अपन देखते हैं कि ये 20,000 जो है ये 20,000 से कम होके 9,000 आ गए, और ये जो यहाँ पे 10,000 थे ये 15,000-16,000 होने लग गए। इट मीन्स कि पुट ऑप्शन राइटर्स आर मूविंग अहेड एंड कॉल ऑप्शन राइटर्स आर मूविंग बिहाइंड। कॉल ऑप्शन राइटर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस गायब हो रहा है, सपोर्ट ऊपर 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 आ रहा है, तो मार्केट इज मूविंग अप। समझा? Got this concept? Clear? Everybody is clear about it? Come on, type in the chat box and say yes, clear, clear, clear. Yeah. Thank you. Okay, so coming back to our concept, अभी अपन ने देख, अगर अपन ऑप्शन चेन के हिसाब से अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, गॉट इट? तो ये अपना ऑप्शन चेन का डाटा हो गया। अभी अपन ने दूसरा एक कंसेप्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि मनीनेस क्या है, तो वापस से मैं आपको इस पे एक बार समझा देता हूं कि मनीनेस क्या रहता है। अभी बैंक निफ्टी आज की तारीख में क्या ट्रेड कर रहा है, क्या लेवल पे है बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी इज 38,517.25। तो 38,517 के सबसे नजदीक कौन सा प्राइस है? 38,500। सो 38,500 इज एट द मनी, ठीक है, एट द मनी हो गया ये 38,500 इज एट द मनी। और 38,500 से ज्यादा जितने स्ट्राइक प्राइस है दे आर आउट ऑफ द मनी, और 38,500 से कम जितने स्ट्राइक प्राइजेस है वो है इन द मनी। अग्री? क्लियर? या यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स योगी जी, वी हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन, डेडिकेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन, डोंट वरी। ओके, तो मनीनेस का हो गया। ऑल द ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस के बारे में बात करो तो जितने भी कॉल ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है दे आर आउट ऑफ द मनी, और जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस करंट मार्केट प्राइस से कम है वो इन द मनी है। और पुट का एग्जैक्टली अपोजिट है कि जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है वो इन द मनी पुट ऑप्शन है, इन द मनी पुट, और आउट ऑफ द मनी पुट कौन से है जो करंट मार्केट प्राइस से कम है। ठीक है, तो ये हो गया एक मनीनेस का कंसेप्ट। ये मनीनेस का कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है खास करके बैंक निफ्टी ऑप्शंस में और उसमें भी एक्सपायरी डे पर, क्योंकि 90% ऑफ द ऑप्शंस दे एक्सपायर एट व्हाट प्राइस? At what price do 90% of the options expire on expiry? Yes. So, ये जो zero पे expire होते हैं, which are those options? Are they at the money, in the money or out of the money? Are they ATM, ITM or OTM? Great, good, very good. So most of the call options which are out of the money will expire at zero. Most of the out of the money call options and put options which are out of the money will expire at zero. Okay. So moving ahead, trading mistakes jo apan karte hai. First is we trade without a trading plan.
हमको कॉल आया 38,500 बाय कर लो, अपने पास 50,000 रुपए है, कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना है 500 रुपीज, 500 इंटू 25 12,000 रुपए लगते हैं, 5 लॉट ले लो आ जाएंगे, है ना। तो अपना कोई प्लान नहीं है कि मैं 5 लॉट क्यों लूं, मैं कौन से लेवल पे 1 लॉट लूं, मैं 5 लॉट ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहे, मेरा स्टॉप लॉस पूरे दिन का कितना है, ये ट्रेड का कितना है, मेरा एंटायर कैपिटल पे मेरा स्टॉप लॉस कितना है, ये प्लानिंग नहीं रहता है। वी जस्ट टेक कॉल, प्रीमियम देखते, अरे 500 ज्यादा है 200 वाला प्रीमियम ले लेता हूं, 200 ज्यादा है 50 रुपए में मिल रहा वो ले लेता हूं, और अपन ट्रेड लेते हैं, और अपन वो 50 रुपए 200 रुपए के कंपैरिजन में वो 50 रुपए भी गमा बैठते हैं। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बिना सोचे ट्रेडिंग करते हैं। थर्ड, इमोशनल ट्रेडिंग करते, सवेरे ट्रेड किया 50 रुपए का कॉल लिया, वो 30 रुपए हो गया, अरे यार ये कैसे गया, अभी तो अभी बहुत पैसा चला गया, अभी एक एवरेज कर दो, एवरेज कर दो और थोड़े लॉट ले लो, ये 30 का 40 हो जाएगा तो बेच दो, तो 30 का 40 ही नहीं होता है, वो 20 पे आ जाता है, और ले लो 30 हो जाएगा तो बेच दूंगा, तो 30 नहीं होता है वो 10 हो जाता है। चौथा, अपन गेस करते, अरे बैंक निफ्टी के बारे में ना कल न्यूज आई थी, व्हाट्सएप पे बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी, अभी जैसे अभी आजकल ग्रुप में चालू है बैंक निफ्टी बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ बैंक्स डिस्क्लोज्ड, तो अपना अभी वो गेस वर्क चालू हो गया, अभी अपने माइंड में फिक्स हो गया कि बैंक निफ्टी में अभी फ्रॉड डिस्कवर हो गया, तो अपना कल तो मार्केट गिरने ही वाला है, तो कल मार्केट अगर गिर के उठना भी चालू होएगा तो मैं उसको बेचने की सोच रहूंगा, तो 38,500 से गिर के 38,400 पे आ गया, और 38,400 पे अगर वो ऊपर उठना चालू हुआ तो मैं 38,400 के पुट लेते रहूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने सुना है टेलीग्राम ग्रुप में कि वो बैंक निफ्टी का फ्रॉड डिस्कवर हो गया, तो आज तो गिरना क्यों होना, मार्केट मेरी न्यूज गलत नहीं रह सकती, मार्केट गलत रहेगा अभी आ जाएगा नीचे 5 मिनट में, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू ट्रेड विद द ट्रेंड, यू हैव टू ट्रेड द मार्केट, मार्केट अपनी नहीं सुनता है, वी आर अ वेरी स्मॉल स्पेक, ना कोई वजूद नहीं है मार्केट में अपने से बड़े बड़े ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा नॉलेज वाले और ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी वाले लोग बैठे हैं जो कंप्यूटर ट्रेडिंग भी करते हैं, और अपन उनके अगेंस्ट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये गेस वर्क और प्रीसेट माइंडसेट से जाना कि कल तो बैंक निफ्टी गिरने वाला है, कल तो बैंक निफ्टी उठने वाला है, जरूरत नहीं है। अपना ट्रेडिंग, अपना प्लान, अपना अपना सिस्टम डेवलप करो, स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, गेम खत्म। अपने को दूसरों के गेम से नहीं खेलना है, दूसरों के दिमाग से नहीं कॉल्स लेने हैं, दूसरों की न्यूज से नहीं कॉल लेने हैं, टीवी पे जो लोग बोल रहे हैं उनकी न्यूज सुन के कॉल पे अपना ध्यान नहीं देना है, ये सब नॉइस है। और मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग प्लेस है, शांत प्लेस है क्या, कोई मेडिटेशन करने नहीं आता है स्टॉक मार्केट में, शांत स्पेस नहीं है, इट इज ऑलरेडी अ वेरी डिसऑर्गेनाइज स्पेस, अ कंफ्यूज्ड स्पेस, जहां पे ऑलरेडी बहुत सारा केओस है, जहां पे थिंकिंग क्लियर नहीं है, वहां पर और आप जाकर अपनी गलत थिंकिंग, अनक्लियर थिंकिंग, कंफ्यूज माइंडसेट चलाओगे तो ऐसी जगह जहां ऑलरेडी कंफ्यूज है वहां आप भी कंफ्यूज होकर ट्रेड कर रहे हो तो कहां से प्रॉफिट होगा। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन अ मार्केट, नो मैटर व्हाट द मार्केट इज डूइंग, यू नीड टू बी श्योर व्हाट यू आर डूइंग इन द मार्केट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द मार्केट इज डूइंग। आपको अपना ट्रेड मिल गया, अपना प्रॉफिट लेना है, बाहर निकलना है, अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ बाहर निकलना है, नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस, ये हाँ मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ लेकिन सिस्टम में नहीं लगाता हूँ, मैं दिमाग में रखता हूँ, वो दिमाग में रख के स्टॉप लॉस जो लगाते हैं वो कभी वर्क नहीं करते हैं, वो हमेशा लॉस देता है ना। कितने लोग ऐसे ये गलतियों में से कुछ एक हाथ गलती कर रहे हैं या होती है ऐसी गलती मानते हैं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। नाउ द वन मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो अपन लोग देखते हैं कि सेटअप बन जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो मैं काम करता हूँ सेटअप कंप्लीट होने के पहले ही ना ट्रेड ले लेता हूँ। अभी जैसे बहुत सारे लोग ना ट्रेंड लाइन या फिर वो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर या RSI के बेसिस पे ट्रेड करते, तो जैसे ही वो 20-50 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देखने वाले है और 20-50 के करीब करीब आना चालू होता है, टच भी नहीं किया अभी, करीब आना चालू होता है, तो दे स्टार्ट एंटिसिपेटिंग, अब मार्केट मूव हो रहा है,
अब ये 20 से 50 क्रॉस हो जाएगा, तो 20 से 50 क्रॉस हो जाएगा तो फिर ये शेयर और ऊपर जाएगा, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो है ये 50 से 250 हो जाएगा, तो वो ना वो एक शेख चिल्ली जैसा हो जाता कि अब मैं बहुत सारी मुर्गियां बनूंगा, एक मुर्गी है, एक मुर्गी से मैं अंडा लूंगा, अंडे से और मुर्गी निकलेगी, फिर और मुर्गियां पालूंगा, फिर और मुर्गी के और अंडे होंगे, फिर मेरा पोल्ट्री फार्म होगा, तो वो होने तक वो रिवर्स मार देता है और अपना जितना पैसा अपन ने डाला रहता है वो भी स्टॉप लॉस की तरफ आ जाता है, और फिर अपन स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो और लॉस में जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग सबसे जरूरी है कैपिटल प्रोटेक्शन, और एंटिसिपेट मत करो, हो जाने दो ना क्रॉसओवर, हो जाने दो RSI को ब्रेक, हो जाने दो RSI को 50 के ऊपर, या हो जाने दो अपना अगर आप फ्लैग पैटर्न या फिर राइजिंग वेज फॉलिंग वेज या कोई दूसरे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे या सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्राइस एक्शन के लेवल के बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको करने दो कंप्लीट, अपना प्राइस एक्शन लेवल के ऊपर क्लोज होने दो, उसके बाद ट्रेड लो। कम प्रॉफिट कमाओ लेकिन हमेशा प्रॉफिट कमाओ, रादर देन ज्यादा प्रॉफिट कमाना और कभी कभी कमाना। अग्री? तो दीज वेर ऑल द थिंग्स अबाउट बेसिक। नाउ वी विल सी वन ऑप्शन बाइंग सेटअप, वन ऑप्शन सेलिंग सेटअप, एंड एट द एंड ऑफ द वेबिनार, बिफोर एंडिंग द वेबिनार, इफ एवरीबडी इज इंटरेस्टेड आई विल शो यू अ थर्ड ऑप्शन बाइंग सेटअप। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। द टाइम फ्रेम ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज 15 मिनट्स। This strategy is called as 3-candle open range breakout. The strategy is we will mark the high and low of the first 15-minute candle. And after marking the high and low of the first 15-minute candle, we will wait for the third candle to close above or below the high or the close of the first 15-minute candle. अगर थर्ड कैंडल फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करती है तो ही ये सेटअप वैलिड है और इसमें एंट्री लेनी है। अगर थर्ड कैंडल फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को ब्रेक नहीं करती है तो ये सेटअप वैलिड नहीं है। अगर थर्ड कैंडल ब्रेक कर देती है तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा लो ऑफ द थर्ड कैंडल। अगर थर्ड कैंडल लो ब्रेक कर देती है तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा हाई ऑफ द थर्ड कैंडल। तो अपन ये चार्ट पे देखते हैं अभी, ये किसी को फोटो खींचना है कुछ लेना है तो आप ले लीजिए ताकि यू नो द रूल्स ऑफ दिस। मैं चार्ट पे भी ये पोस्ट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो कोई शेयर का नाम बताओ, सजेशन शेयर, या बैंक निफ्टी में देखना है? लेट अस सी इन बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी डन। सो द सेटअप सेज दैट वी विल मार्क द high and the low of the first 15 minute candle. तो ये अपना first 15 minute candle हो गया। Can you see? No screen. I am so sorry. Yeah. So setup says that we have to see the 15 minute candles. So this is the setup. We have marked the high and the low of the first 15 minute candle. Ab is din third candle jo hai, did it break the high or low? It didn't. So we will not take trade according to this setup. We will not take trade on this day.
Now we will see what is happening on other days. So this is 10th. 10th of February. Because of this, I am not able to see. Just a second. Yeah. So this is 10th February 1950. So we will do what we will do. We will mark the high and the low of the first 15 minute candle. Okay. So what happened here? The third candle, it broke the low of the candle, low of the first minute candle. It closed below it. So now we will mark this point and we will take an entry below this point with stop loss of this candle. So did it cross this low? It didn't cross this low. So our order didn't get executed. So what happened after that? After that, it went up. So we didn't get a trade. We didn't take a trade here because yahan par third candle ne low toda, but fir uske niche, uske high or low ke niche apna entry nahi mila apne. What this? Okay. Abhi dekhte hain yahan kya. So this is the 9th of February. So 9th of February, we will mark the first 15 minute high and low. So what happened here? The third candle broke the high of the first 15 minute candle and it closed above it. So after it has closed above, what we will do? We will place the entry above the high of our alert candle and we will take an entry as soon as the price goes above this. So it didn't go till 11:15 at 145. It touched and went above and from 38,521, it went and closed at 38,621. Got this? Yeah, we got the entry later, but we'll be taking the entry. We are making, option buying may chances of getting a successful trade are less. So we want more conditions to be applied so that we don't lose our capital. In this setup, the main idea is कम ट्रेड करेंगे लेकिन अगर डायरेक्शन में अच्छा ट्रेड मिलेगा तो ही करेंगे. कैपिटल बचा के रखेंगे, कम प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे. ओके, वी विल सी. ये सेटअप अच्छा है, आप बैक टेस्ट खुद भी करके देख सकते हैं. अभी दिस इज 8th ऑफ फरवरी 9:15. व्हाट हैपेंड हियर? दिस इज द हाई, दिस इज द लो. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? The third candle, it broke the low and it closed below the low of the first 15 minute candle. So what we will do, we will mark the lowest point of this candle and we will take entry once this low is broken and our stop loss will be the high of this candle. So this is our stop loss. Okay. And the distance between stop loss and our entry is our target. So how much is this distance? This distance is of 197 points. So from 197 points, we will go again and see whether after entry we are getting 197 points. So this is where we got our target. Okay.
इंडिकेटर कौन सा यूज करना है? दिस इज अ न्यू इंडिकेटर स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन. आई एम गोइंग टू शो यू टू स्ट्रेटेजीज टूडे विच आर बेस्ड ऑन विदाउट एनी इंडिकेटर्स, नो इंडिकेटर स्ट्रेटेजीज. ओके, या सो बैक टेस्टिंग ऑफ दिस रिजल्ट. सी, देयर आर टू रिजल्ट्स ऑफ बैक टेस्ट. वन इज इन अ मंथ यू विल नॉट गेट मोर देन 18 to 22 trades, and out of that 18 to 22 trades, the probability of success is 13 to 14 trades out of those 18 to 22 trades. So it comes to about 60 to 70% probability with a very small capital requirement. जैसे अगर अपन यहाँ पर entry ले रहे हैं, तो the price is at 37,750. So 37,750. means you can take a 37,700 ka call and easily book 197 movement per 197 bank nifty ke movement pe at the money call option at least 100 point de raha hai. 197 ke movement per at least 100 point de raha hai. So with a small capital you can easily earn anywhere between 1000 to 2500 rupees depending on the difference between the stop loss and entry. I'll also give you an idea ki isko do lot use karke kaise kar sakte. This is if you are using a single lot. Aapke paas itne hi paise hai ki main ek lot le sakta hu, to 1:1 profit pe aap nikal jaiye. Agar aapke paas do lot hai, if only one lot, to 1:1 profit. अगर दो लॉट है तो क्या करना है? अगर दो लॉट है तो एग्जिट वन एट 1:1, मूव स्टॉप लॉस टू कॉस्ट एंड लीव द प्रॉफिट्स till 315. Okay, दिख रहा है सबको? Is it visible? Yeah, I'll explain again. Don't worry. See, the setup is, So let us take this example. This is 15 minute candle, first 15 minute candle. नहीं, यहाँ पे भी third candle ने break नहीं किया. यहाँ पे भी, हाँ, we can, yeah, let's see this. So this is 15 minute candle high, first 15 minute. This is 15 minute candle low. We are seeing this candle. Okay. So what happened? The third candle, it broke the low of the first 15 minute candle. After it broke the low, what we will do? We will mark the low of the candle. And after marking the low, once this low is broken, we will take an entry. Ab agar ye level hai 37,918. तो 37,918 पर कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे आप? यू विल हैव टू बाय 38,900 एंड सिंस द मार्केट इज क्लोजिंग डाउन वी विल बी बाइंग अ पुट. तो 38,900 पुट हम बाय करेंगे और अपना स्टॉप लॉस कितना रहेगा? अपना स्टॉप लॉस रहेगा जितना हमने ये यहां से अपना कैलकुलेट करेंगे अपन कि कितने पॉइंट्स हुए. So these were about 200 point. So similarly, we will keep a target of 200 points here. We got 200 points. We got more than 250 points we got. But if we are trading in only one lot, we will keep 1:1 target.
अब 200 पॉइंट्स अगर निफ्टी का हो रहा है, बैंक निफ्टी का हो रहा है, तो 100 पॉइंट्स ऑप्शंस मूव कर लेगा एट द मनी कॉल ऑप्शन. 200 पॉइंट्स ऑफ बैंक निफ्टी मूवमेंट विल मेक द प्रीमियम ऑफ एट द मनी ऑप्शन ऑफ बैंक निफ्टी मूव बाय एटलीस्ट 100 पॉइंट्स. देखो ना, एकदम सिंपल है. मैंने आपको अभी बताया कि क्या कर रहे हैं अपन. अपन वी आर मार्किंग द हाई एंड लो ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल. अब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का कैसा रहेगा, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम है. फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क किया. हाई और लो मार्क करने के बाद वी वेट फॉर द थर्ड कैंडल. थर्ड कैंडल कितने बजे शुरू होगी, 9:31 को शुरू होगी और 9:45 को खत्म हो जाएगी. तो 9:45 तक अगर थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का हाई या लो ब्रेक किया है तो ये सेटअप वैलिड है. अगर थर्ड कैंडल ने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं किया है तो ये सेटअप वैलिड नहीं है. तो वैलिडिटी ऑफ द सेटअप डिपेंड्स ऑन वेदर द थर्ड कैंडल इज ब्रेकिंग द लो और द हाई ऑफ द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल. अब सेटअप वैलिड हो गया, सेटअप वैलिड हो गया तो एंट्री और एग्जिट डिसाइड करना है. एंट्री कहां करेंगे, अगर ये थर्ड कैंडल ब्रेक करके वैलिड सेटअप है तो इसके लो पर एंट्री मार्क करेंगे. जब ये लो ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग एंट्री लेंगे और इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल थर्ड कैंडल का हाई. वन मोर एग्जांपल, या वी विल टेक, डोंट वरी. Okay, let's see one more example. So one more break. Strike price to be taken is at the money. Jaise I told ki if it is if the low is at 39,100, then you have to take 39,100 put. If the high broken is at 38,500, so you have to take 38,500 call, at the money call. Jo bhi strike price sabse nazdeek hai wo wala. How 95 you said? 15 minute third candle. Kitne baje close hogi 15 minute third candle? Okay, so come on, give your attention here now. I'll show you something. So the date is 12th January and we are considering this candle right now. Okay, so we are marking the high and the low of the first 15 minute candle. Clear? Yes, this is to be done every day. This can be done every day, even and especially on expiry. If this setup is happening,
then you can use multiple lots to trade according to your money management strategies. सबका सब एक ही इसमें नहीं डालना है. सो दिस इज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल. द थर्ड कैंडल इट ब्रोक द हाई एंड द लो ऑफ द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल. दे डिड ब्रेक द हाई और द लो ऑफ द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल. थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल है. दिस इज द थर्ड कैंडल. यस, सो इट ब्रोक द हाई. So, is the setup valid? Setup is valid now. So, once the setup is valid, I will mark the high of this candle. And what will be my entry? My entry will be at 38789. Once Bank Nifty process 38789, I will enter with a stop loss of the low of this candle. What is the low of this candle? This is just 68 points right now. So I will keep my target at 68 points. So did I get 68 points here? Yes, I got 68 points. Okay. 1:1 target. We are not getting into bigger targets in this system. If we are having only one lot, 1:1 targets we are taking. Another example we'll see. Let's see this. So this is first 15 minute candle. This is marking the high and the low of the first 15 minute candle. Now what happened? Did the third candle break the high or the low of the first candle? Did the candle? Yes, high was broken. So setup is valid. Yes, it is to be done only after at 9:45. We have to see at 9:45 whether the setup is valid or not. And if the setup is valid, then we mark the high of this candle. After marking the high, once this price is reached, we make an entry. And what will be our entry? Our entry will be at 38084. So 38100 call. Nearest strike price call, and our stop loss will be 37933. If the price comes down to 37933, our stop loss will be hit. So it is about 150 points. In this trade, did we get 150 points? We didn't get 150 points. So in this trade, our stop loss was hit. So we saw almost 5 trades in which 4 were. How to know the trend? Go right. I didn't get it, Pratik ji. I'll take it in Q&A session. I'll answer that query in Q&A session. So out of the 5 trades we saw, 1 stop loss got hit. So this setup is not 100% success rate. It is having 70 to 80% success rate only out of in a month, if you get 18 to 22 trades, you will be having profitable trades in about 14 trades. And what will happen to the other 8 to 10 trades? You will be having a loss. What will be the loss? It will be the same amount distance between the entry and the stop loss of the third candle. And every time you are making profit, also you are making the same amount of profit. Now let's see this. Now final example one we will take. Now this is 5th Jan. This is 5th January 9:55, and this is the high and the low of the first 15 minute candle. Got it? First 15 minute high of. No, recordings will not be there for the free sessions. It will only be available to the members. No recordings for the free sessions. So first 15 minute candle high and low will be marked, and this setup, the third candle broke. So this setup is valid. I marked the high of this candle, and as soon as this is broken, I get an entry. So my stop loss for this will be 240 points. And this is where 240 points. So in this,
if my I'm trading with only one lot, my 240 points will be reached in this. Got it? Okay. One is one, can you explain again? 1:1 is like I explained just now that in this setup, I took an entry when this point was broken and my stop loss was this. So the distance between this to this is the target. So for example, this is 37332 and this low is somewhere 37150. So it's about 250 points. The same 250 point target I will keep here and I will execute my trade. Once I get inside it, I will put my target to be hit 250 points. Or if I have taken an entry at 200 premium, I will keep it at 450 and I will leave the trade. Okay. So that is 1:1. Now coming back to the second strategy. Yeah. So this was one option, buying strategy. No, this is not a scalp trade here. You can call it a scalp trade, but sometimes for 250 points, how can you call it a scalp trade? Scalp trading is something like getting in and getting out very quick. Here we are just making an entry and leaving it for the target to hit with the stop loss. So it's not a scalp trade. Sometimes it takes entire day for the target to reach. If the difference between stop loss between the entry point and the lowest point of the candle, agar wo 200 point 150 point hai to usko time lagta hai, 30-40 point 60 point hai to jaldi aa jayega, hai na? So 1:1 for small capital. Yes, exactly. So 1:1 is for small capital. Agar aapke paas 2 lot 3 lot 4 lot lene ki capital hai to at least exit 50% of your lots at 1:1 and then move your stop loss to the cost. Jaise agar aapne 200 pe entry liya, 200 पे कॉल ऑप्शन बाय किया, 4 लॉट बाय किए, आपका टारगेट है 300, तो 300 पे 4 में से 2 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लीजिए और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 200 जो कॉस्ट है उस पे मूव कर दीजिए। तो अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो आपका लॉस लिमिटेड है, बट अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अभी सेकंड स्ट्रेटजी अपन देखते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल। अभी शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी हो गई, एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी हो गई। अभी थर्ड स्ट्रेटजी एज अ बोनस स्ट्रेटजी मैं आखिरी में एक सिखाऊंगा अगर सब इंटरेस्टेड है तो एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी देख लेते हैं। अब ये सिंपल स्ट्रेटजी है, इसके अंदर एवरी डे यू कैन टेक एन एंट्री, यू हैव टू एंटर द मार्केट एट 9:22 AM बिटवीन मंडे टू फ्राइडे और वीकली बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे। इसमें अपन एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट अपन सेल करेंगे। अब सेल करेंगे और अपन हर एक प्राइस जो अपना ये है लेग है, कॉल ऑप्शन का जो सेल किया है वो भी और पुट ऑप्शन का जो सेल किया है वो भी, उस पर 32% स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो अगर अपन ने 100 रुपीज में बेचा है तो अपना स्टॉप लॉस 132 रहेगा। अगर 200 रुपीज में बेचा है तो 264 रहेगा, 32% ऑफ 200 इज 264, है ना? और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है या तीन बज जाते हैं तो अपन एग्जिट कर लेंगे, है ना? इंट्राडे स्ट्रेटेजी, सवेरे 9:22 को एंट्री और 3 बजे एग्जिट, बीच में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हिट हुआ, नहीं हिट हुआ तो 3 बजे एग्जिट। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये शॉर्ट स्ट्रैडल, इसका एक बार अपन रिजल्ट देख लेते हैं कैसा रहता है, कि अगर अपन ये करते हैं तो क्या होता है। तो आपको एक आइडिया आएगा कि ये स्ट्रेटेजी पावरफुल कितनी है। तो दिस इज अ स्टॉक मार्केट, बट इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट लगता है, कितना लगता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, अभी बैंक निफ्टी ऑप्शंस कॉल ऑप्शन सेल करेंगे एट द मनी, एड कर दिया पोजिशन को,
और बैंक निफ्टी ऑप्शन पुट ये भी सेल करेंगे एट द मनी, ये भी ऐड कर दिया पोजीशन को। अभी अपना स्टॉप लॉस है 32% और इसमें भी अपना स्टॉप लॉस है 32% और यहाँ पर अपनी एंट्री टाइम है 9:22 और अपना एग्जिट टाइम है 3 बजे। ये अगर अपन कर रहे हैं इंट्रा डे और अपन देखते हैं 2017 से 2022 तो 5 साल में इसका रिजल्ट कैसा रहा। जब तक ये रिजल्ट यहाँ पे हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना लगेगा। तो ऑर्डर्स में जाते हैं अपन, बास्केट बनाते हैं और स्ट्रैडल बोलते हैं इसको अपन, शॉर्ट स्ट्रैडल। तो बैंक निफ्टी क्या रेट चालू है अभी, कोई बता सकता है बैंक निफ्टी क्या इस पर ट्रेड कर रहा है? 38.51। तो 38.5 what is the price of bank nifty right now? Bank nifty is sitting at 38,590. okay, so yahan aa jayenge 38,500 17th February CE सेल मार्केट बैंक निफ्टी 38,500 पीई सेल मार्केट। तो इसको करीब करीब 1.5 लाख रुपए एक स्ट्रेटेजी को लगता है एग्जीक्यूट करने के लिए। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो आप एटलीस्ट अपने अकाउंट में 2 लाख रुपीज रखिए, 2 लाख रुपए। अगर कोई कुछ दिन अगर अपने को लॉस हो रहा है कुछ हो रहा है तो अपना मार्जिन कॉल नहीं आना चाहिए, उसके लिए बेटर टू कीप एटलीस्ट 2 लाख रुपीज इन योर अकाउंट व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस स्ट्रैटेजी। तो 2 लाख रुपए अपन ने डाले हैं एक स्ट्रैटेजी के लिए और समझो अगर अपन वो ये स्ट्रैटेजी 5 साल से कर रहे हैं, 2 लाख रुपए डाल दिए अकाउंट में, तो 2 लाख रुपए का अपने को 5 साल में कितना प्रॉफिट होता था? इट इज 625,310 रुपीज। तो ये ईयर ऑन ईयर कितना है वो देख लेते हैं। सो ईयर ऑन ईयर यहां पे मिलता है 1,11,900 रुपए, 1,32,000 रुपए, 1,55,000 रुपीज, 92,000 रुपीज, 1,21,000 रुपीज। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनवरी फरवरी ये सब आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 साल में 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव आए बस। मैं 5 साल में सिर्फ 3 महीने ऐसे हुए कि आप नेगेटिव में क्लोज हुए, नहीं तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे थे। और आप क्या कर रहे थे? आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप सुबह जाके ऑर्डर एंटर कर रहे थे और अपना स्टॉप लॉस डालकर एग्जिट कर रहे थे। सो दिस इज द पावर ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल एंड ऑप्शन सेलिंग इफ यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन। यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी रोज करना एंड डिसिप्लिन, कि वो सिस्टम को छेड़ना नहीं एक बार डाल दिया था कि 922 पे डाल दिया फिर वो आ रहा है नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है नहीं आ रहा है, तो वो चीजें नहीं देखते बैठना है, तो फिर इसका पावर देखने का ये आएगा, आपको समझेगा इसका पावर क्या है। तो अगर अपन ऐसा पकड़ते हैं कि 2 लाख डाल के 1,20,000, 1,22,000 इतना नहीं मिल रहा है, 2 लाख डाल के 1,50,000 मिल रहा था, अबाउट 70-80,000% रिटर्न हो गया, अपने को इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है इस स्ट्रेटेजी से, और ये स्ट्रेटेजी ना अपने को सिर्फ 30% रिटर्न दे रही है। तो 2 लाख पे अगर अपने को 30% रिटर्न दे रही है और अगर अपन ये अगले 5 साल करते हैं तो अपने 2 लाख से अपने को 7,42,000 रुपीज मिल जाएंगे। अगर अपन वही चीज आगे 8 साल कंटिन्यू करते हैं तो 16 लाख रुपीज हो जाएंगे। तो जब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये 2 लाख आपने कोई एफडी में रखा है या आपने कोई म्यूचुअल फंड में रखा है और वही 2 लाख का आपकी स्ट्रेटेजी चला रहे हैं तो आपको कितना डिफरेंस मिल सकता है इससे,
ये अंदाजा होना द पावर ऑफ द सिस्टम यूजिंग जस्ट शॉर्ट सेलिंग एज कंपेयर टू मनी कैप्ट इन एफडी, मनी कैप्ट इन सेविंग अकाउंट. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो सब नहीं रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, बट सब उसमें नहीं रख के अगर उसमें से सिर्फ 2 लाख इधर और 2 लाख उधर कर दो तो कितना डिफरेंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन होता है, आपका वेल्थ कितना बन रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ध्यान में रखना जरूरी है. 2 लाख अगर एफडी में रख रहे हैं तो 6 साल 8 साल में आपका पैसा कितना आएगा उधर से, और इधर आप यूज कर रहे हैं तो कैसे और कितना पैसा आएगा, है ना. और इसमें टाइम एंड एफर्ट कितना जा रहा है, रोज सुबह एंटर करना है और कुछ नहीं करना है, 9:22 को एंटर करके एग्जिट अपने आप हो जाएगा. अगर आप इंट्राडे एमआईएस ऑर्डर रखते हैं तो अपने आप हो जाएगा, आपको उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं. तो द इंटेंशन बिहाइंड टेलिंग यू दिस इज व्हाट शेल सेलिंग, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग. अगर आपका क्वेश्चन है प्रतीक सर, तो आप शॉर्ट सेलिंग करने के पहले थोड़ा सा ऑप्शन कोर्स या कुछ ऑप्शन बेसिक्स सीखिए. 32% एज पर ईच लेग, यस आई विल एक्सप्लेन अगेन. सो इफ आई हैव सोल्ड अ कॉल ऑप्शन एट 100 rupees, माय स्टॉप लॉस इज 32% ऑफ 100. सो व्हाट इज 32% ऑफ 100? 32% ऑफ 100 विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 32% ऑफ 100 1.32, 32% of 100. If my sold premium is 400 rupees, then 400 multiplied by 1.32, so it will be 528, 32% of the premium. So multiply the premium by 1.32. ओके, या 32. अब वो वाई 32, क्योंकि हमने बाकी सब चेक किया और 32 इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिगर, और आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देनी थी जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, इसलिए 32%. आप बाकी भी चीजें स्टॉक मॉक पे या फिर बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि 32 नहीं रखा, 33 रखा या 43 रखा या 53 रखा, तो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, बट 32 बिकॉज ये सिस्टम अच्छा चल रहा है 32 से. ओके, जैसे अगर अपन ऑप्शन बाय करेंगे और अगर आपने 100 rupees में बाय किया है और 30 rupees का स्टॉप, 30% का स्टॉप लॉस लगाना है, तो बाइंग के टाइम पर 100 rupees पे 70 पे लगाना पड़ता है, नीचे लगाना पड़ता है ना 100 के. वैसे अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं और आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको 100 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा. गॉट इट मनीष जी. 32% आपका 100 के ऊपर आएगा, 132 आएगा, क्योंकि अपन ऑप्शन सेलर है इसमें, ये स्ट्रेटेजी में. अगर अपन ऑप्शन बाय करते 100 rupees में और मैं बोलता कि 30% का स्टॉप लॉस लगाओ, तो आप 70 पे लगाते ना, 100 में से 30 माइनस कर देते, बट आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो 100 में 30 ऐड करेंगे. गॉट इट? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट इट. Type yes in the chat box if you have got this. Yes, yes, come on. Bit more energy. Yes. Thank you. So, this is the power of a system which I want to show you as compared to ye system aap kaise use kar sakte hai. Aap daily trading ke liye bhi use kar sakte hai. Aur isko kisse compare karna hai. Aap apne koi FD mein apne 2 lakh rupaye kuch dale hai. या कहीं कुछ म्यूचुअल फंड में डाले हैं, अगर समझो किसी ने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उसके बदले अगर मैं 2 लाख रुपए ये सिस्टम में डालकर रोज ये सिस्टम को डिसिप्लिन तरीके से ट्रेन कर रहा हूं तो कितने पैसे आएंगे, वैसा मुझे कंपेयर करना है. ओके, व्हाट दिस. ओके, सो मूविंग अहेड, एक और स्ट्रेटेजी है जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द स्ट्रेटेजी, कम ऑन. Tell me. Type yes in the chat box. One more strategy. One more. Type one more. Come on.
गुड गुड, बिट मोर एनर्जी। संडे के दिन आप लोगों ने टाइम निकाला है, कम ऑन, अभी खाना खाने को टाइम है, आधा घंटा रुक जाइए थोड़ा सा। है ना, वन मोर, कम ऑन, टाइप वन मोर इन द चैट बॉक्स। यस यस, थैंक यू, गुड गुड एनर्जी। या सो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट स्ट्रेटेजी, आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल अ बोनस एज अ थैंक यू जेस्चर फ्रॉम माई साइड फॉर टेकिंग योर टाइम आउट ऑन अ संडे, स्पेशली छुट्टी के दिन। एंड दिस इज ऐप विच आई हैव लॉन्च्ड। ये लॉन्च करने का बेसिकली मेरा इंटेंशन ये है कि मैं तो बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, बट आई एम ऑन अ मिशन टू एजुकेट एटलीस्ट 10 लाख इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट टू बिकम फाइनेंशियली लिटरेट, अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, डोंट कंसिडर स्टॉक मार्केट एज अ गैम्बल, कि गैम्बल करने की जगह नहीं है और सट्टे बाजार भी नहीं है। अगर अच्छे से करो, ध्यान लगा के करो, दिमाग लगा के करो तो काफी स्कोप है। इंडिया इज स्टिल इन द बुल रन, अर्ली मार्केट है, बाहर के देशों से लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इंडियन सिटीजन्स आर स्टिल बिट रिलक्टेंट टू एंटर स्टॉक मार्केट। बट रिलक्टेंस छोड़कर अच्छे तरीके से स्टडी करके डिसिप्लिन तरीके से अगर अपन स्टॉक मार्केट यूज करें तो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, दैट इज द मेन इंटेंशन। और ये ऐप में आप डाउनलोड करोगे तो आई जस्ट पोस्ट द लिंक इन द चैट, एंड ये ऐप में आपको बहुत सारी फ्री चीजें अभी भी मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी, बिकॉज दैट इज माई कमिटमेंट टूवर्ड्स द मिशन ऑफ माई मिशन ऑफ टचिंग द लाइव्स ऑफ 10 लाख ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड मेकिंग देम एटलीस्ट फाइनेंशियली लिटरेट। वो भले ही रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करे नहीं करे, इन्वेस्टिंग करे नहीं करे, पर एटलीस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी रहे, मालूम रहे कि क्या है चीज, क्या क्या ऑप्शंस है, ये अपने पास ऑप्शन है, ये मालूम होना भी एक नया नॉलेज रहेगा। बहुत लोगों को म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक क्या है, SIP क्या है, यही नहीं पता है। म्यूचुअल फंड क्या है तो टीवी में देख के बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट सही नहीं है, सब म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको फ्री में इस ऐप में भी सीखने मिलेगी। एंड वन ऑफर आई हैव, अ कोर्स आई हैव लॉन्च्ड फॉर स्पेशली ऑप्शन लवर्स, जिनको ऑप्शंस में इंटरेस्ट है, तो दैट कोर्स इज कॉल्ड एज ऑप्शन कोर्स ऑन स्टॉक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड दिस कोर्स क्या सीखने मिलेगा आपको, यू विल गेट टू लर्न इंट्राडे ऑप्शन फायरिंग स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर ऑप्शन जो अपन अभी देख रहे थे 1:1, 1:1 के छोटे छोटे टारगेट्स देख रहे थे, इंट्राडे ऑप्शन फायरिंग में अपन थोड़े से लंबे टारगेट्स रखते हैं, उसमें कुछ इंडिकेटर्स भी यूज करेंगे। ये जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको दिखाया हूँ अभी, बैंक ऑप्शन बाइंग वाली, दैट इज नो इंडिकेटर स्ट्रेटेजी। आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर स्ट्रेटेजी विच इज अगेन अ नो इंडिकेटर स्ट्रेटेजी। इसमें कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, और खास करके उन लोगों के लिए जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स है, खुद का कोई जॉब है, खुद का कोई बिजनेस है, हाउस वाइफ्स है, वर्किंग वुमेन्स है, जिनको पूरा टाइम स्क्रीन नहीं कर सकते, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करके निकल जाना और अपना ऑर्डर आएगा, टारगेट हिट होएगा तो होएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होएगा, उस तरह से ये ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, रोज करना है तो भी, रोज नहीं करना है तो भी, ये मेन इंटेंशन से ये स्ट्रैटेजीज डिवाइस करने का। नहीं तो मार्केट में और यूट्यूब पे तो हजारों कोर्सेज और वीडियोस है जो आपको ये इंडिकेटर लगाओ, ये क्रॉसओवर होएगा तो देखो, वो देखो, लेकिन उतना टाइम नहीं रहेगा अपने पास ना, अपन 24 आवर नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, आधा पौन घंटा निकाल के अपन ने मार्केट देखा अलग बात है, बट सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक बैठे रहना पॉसिबल नहीं। तो इंट्राडे ऑप्शन फायरिंग कोर्स उन लोगों के लिए है जो इंडिकेटर बेस्ड सीखना चाहते हैं कि हाँ भाई ये इंडिकेटर लगाया, ये सिग्नल आया तो कैसे करना है। फिर यू विल ऑल्सो लर्न इंट्राडे जैकपॉट स्ट्रेटेजीज, जिसके अंदर जो हीरो जीरो कॉल्स रहते हैं, या फिर जिसके अंदर स्टॉक ऑप्शंस में भी अपन कैसे कॉल्स लेते हैं वो बताएंगे। फिर थर्ड, यू विल गेट टू लर्न अबाउट द 7 सीक्रेट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड स्टॉक्स। ये 3 अलग अलग कोर्सेज, इनका टोटल कंबाइंड वैल्यू
35,498 रुपीज है टोटल कंबाइंड वैल्यू, आपका टोटल कंबाइंड वैल्यू 38,498 रुपीज है, बट आपको ये 38 नहीं देना है, इसका टोटल वैल्यू ऐप में 12,999 है बट आपको ये भी नहीं देना है, इसका टोटल वैल्यू फॉर अ स्पेशल लॉन्च ऑफर इज 6,499 रुपीज, पर आपको ये भी नहीं देना है। टोटल ऑफर फॉर ऑल दीज थ्री कोर्सेस, एंड दिस इज अ वेबिनार ओनली ऑफर विच आई हैव टेकन इट राइट नाउ, एंड आई विल चेंज द प्राइस ऑफ द कोर्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड मेक इट टू 999, एंड दिस विल बी वैलिड ओनली फॉर टूडे, सिर्फ आज के लिए वैलिड रहेगा। तो टूडेज स्पेशल प्राइस फॉर दिस वेबिनार इंक्लूडिंग ऑल दीज थ्री कोर्सेज विल बी 2999 ओनली, एंड एज अ बोनस जो एक्शन टेकर्स है वेबिनार खत्म होने के पहले जो लोग ये कोर्स ले रहे हैं दे विल गेट स्पेशल एक्सपायरी डे स्ट्रेटजीज वन, एंड दे विल गेट टू इंडिकेटर्स विच विल बी फ्री। ये इंडिकेटर्स क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। देर आर टू इंडिकेटर्स विच आई रूटीनली यूज फॉर ट्रेडिंग, एंड दोज आर DTR एंड अ वेल्थप्रेनोर कस्टम मेड इंडिकेटर। ये इंडिकेटर कैसे काम करते हैं मैं आपको वो बता देता हूं। सो कोई भी एक स्टॉक बताइए, कम ऑन एक स्टॉक बताइए कोई भी आप। कोई भी एक स्टॉक का नाम बताइए, तो आपके पसंद के स्टॉक पे वो कैसे ITC मारुति जो ज्यादा आएगा जिसको वोट ज्यादा आएंगे वो देखते हैं। TCS ITC मारुति टाटा मोटर्स रिलायंस HDFC मारुति HDFC ओके चलो मारुति और HDFC दो देख लेते हैं। ओके चलो तो आई विल सिलेक्ट मारुति हियर, मारुति सुजुकी। इस पे हम लगाते हैं पहले DTR और ये दूसरा इंडिकेटर मैं बंद कर देता हूं। अब ये DTR जो है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे, एंड जब भी ये DTR ऊपर की तरफ ब्रेक होएगा तो वी विल नो द ट्रेंड एंड वी विल टेक अ कॉल इन दिस ट्रेंड। यहां पर लॉन्ग शॉर्ट लिखकर भी आता है बट वी विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन दिस, वी विल ओनली सी कि ये ऊपर क्लोज हुआ है कि नहीं। दिस इज स्पेशली फॉर दोस पीपल जिनको बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के कंफ्यूजन होता है, क्या करूं, RSI दिखा रहा है कि बाय करूं, मूविंग एवरेज बता रहा है कि सेल करूं, तो करूं क्या करूं, तो उसके लिए ये कम बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो बोलते हैं अपन कि भाई एकदम मिनिमलिस्टिक है, आपको सिर्फ देखना है कि जैसे ऊपर क्लोज हुआ तो अपने को बाय करना है, इसके नीचे हुआ तो अपने को सेल करना है, और अगर ये इसके बीच में ही है तो अपना नो ट्रेडिंग डे है। अब देखो यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पर 8306 पे ब्रेक किया और ये गया 8656, ये पूरा दिन इसके बीच में रहा, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया 8063 और ये गया 8248, तो ये एक इंडिकेटर है। हाउ मेनी डेज कोर्स, या सो द कोर्स विल बी कंप्लीटेड इन अ मंथ्स टाइम बट यू ऑल विल बी गेटिंग असेस एंड सपोर्ट फॉर 1 year, एंड द लर्निंग इन आर कम्युनिटी विल बी फॉर लाइफ टाइम। जो बाकी चीजें है जैसे एक्सपायरी स्ट्रेटेजीज अगर कुछ नहीं आती है बैंक निफ्टी में तो आपके कोर्स में ऐड होती रहेगी। सो दिस इज नॉट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट बिकॉज आई एम नॉट इन टू कमर्शियल कोचिंग्स, माई एम इज जस्ट टू टच मेनी पीपल एंड गेट देम इन टू दिस लर्निंग्स विच आई हैव मेड, प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स विच आई हैव ऑलरेडी मेड। तो आप मार्केट
आपको सिखाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो यू कैन लर्न फ्रॉम मार्केट, बट देन यू हैव टू पे अ प्राइस टू द मार्केट। तो आप खुद पैसे मार्केट को देकर गलतियां कर भी सीख सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा बट सीख सकते हो। या जैसे मैंने किया, एक मेंटर चूज करो, उसके स्टडी उसके लाइन के हिसाब से बराबर से पूरा सीखो और फिर अपना ट्रेडिंग जर्नी चालू करो, ताकि जो मिस्टेक्स उसने कर ली है कम से कम मैं वो ना करूं, मैं अपनी नई मिस्टेक्स करके कुछ और सीखूंगा, बट ऑलरेडी जो बड़ी मिस्टेक्स करके कैपिटल गंवाना है वो नहीं करना ना? तो एक स्ट्रीमलाइन टीचिंग, सिस्टमेटिक वे ऑफ टीचिंग वो हो जाएगा। हाँ, सेकेंड इंडिकेटर, या सो वन वॉज मारुति एंड सेकेंड वॉज रिलायंस। चलो ये देखते, इसको बंद कर देते। अब ये है सेकेंड इंडिकेटर। सो दिस इज अ इंडिकेटर जहां पे, दिस इज अ कस्टम मेड इंडिकेटर, वेल्थ नोड इंडिकेटर। यहाँ पर वी आर यूजिंग अ टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट्स। यहाँ पर जब भी ये सिग्नल आएगा उसका अपन हाई मार्क करेंगे और इसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे। जो कैंडल अपने को एंट्री दिया उसका लो जो है वो अपन स्टॉप लॉस पकड़ेंगे। तो ये कैंडल का एंट्री यहाँ पे आया, इसका मूवमेंट देखो। यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, इसका मूवमेंट देखो। यहाँ पे इसका एंट्री आया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर इसका एंट्री आया, यहाँ पे ये ऊपर गया। यहाँ पर ऊपर का सिग्नल आया, वापस इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और यहाँ पे डाउन का सिग्नल, सेल का सिग्नल दिया इसने और वहां से मूवमेंट मिला। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विद दीज इंडिकेटर DTR इज अबाउट 85% प्रोबेबिलिटी विद DTR, क्योंकि DTR इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ सेंट्रल पिवोट रेंज। सेंट्रल पिवोट रेंज जो है, आप देखोगे कि कभी कभी पिवोट के ऊपर प्राइजेस, और DTR में कभी भी प्राइजेस पिवोट के ऊपर नहीं खुलेंगे। इट्स अ वेल्थ प्रेनोर कस्टम मेड इंडिकेटर। यहाँ पे आप देखोगे ना, वेल्थ प्रेनोर इंडिकेटर। वेल्थ प्रेनोर इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट विच आई हैव स्टार्टेड, द ग्रुप विच आई हैव स्टार्टेड, द 5% वेल्थ प्रेनोर ग्रुप। सो नेम इज बेस्ड ऑन द name of the project which I am dealing with, Wealthpreneur project. Wealthpreneur is something which I personally associate with a person like an entrepreneur who wants to create wealth for himself or herself without being dependent on anybody. So I am a wealthpreneur, I am a solopreneur, I am not dependent on anybody for creation of wealth. So that is the logic behind Wealthpreneur. Thank you for asking. सो दिस इज द सेकेंड इंडिकेटर। ये दो इंडिकेटर्स यूज करने हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू लगेगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में पाइन एडिटर आता है और वो पाइन एडिटर के थ्रू आप ये कोड इसमें यूज कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं यूज कर सकते। ओके, सो दीज टू थिंग्स यू विल बी गेटिंग, दीज टू इंडिकेटर्स, एंड आई विल जस्ट पेस्ट द लिंक, the payment link for the course. First of all, let me change the price of the course for you. So I'm changing it live and it will be only valid till today. So this is our app. When you go in our app, you can see this store. अगर आपने app download किया ना, तो यहाँ पे study material बोलकर free material से बहुत सारी चीजें आपको free मिल जाएगी। जैसे stock market के base पे कुछ books रहती है, वो books है, कुछ general books on personality development और mindset है, वो मिल जाएगी। फिर कुछ day planners, trading journals है, वो आप use कर सकते हैं। इसके अलावा आपको free videos देखने मिलेंगे, जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, हाँ, फ्री रीडिंग भी यू कैन यूज। ड्यूरेशन एंड कोर्स, जैसे आई टोल्ड यू, द कोर्स विल बी फॉर 1 month, द एंटायर कोर्स विल फिनिश इन अ मंथ, द क्लासेस विल बी ऑन वीकेंड्स, सैटरडे संडे और फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड वी विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशंस विद लाइव टीचिंग। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द टीचिंग and that you will be able to assess for 1 year, and after that also, if you are in the community help is for the lifetime, in the app, in the community. Actually, we are building a community, jaise maine share kiya ki my aim is to build a community of 10 lakh people
so that all of us together can learn, earn and move ahead together. That is the vision which I am working with, and very happy if more and more people join in this mission and help educate more and more people who are either not into stock market or into stock market but suffering losses because of not getting systematic method of teaching. So isme aapko free mein free sections mein aapko technical analysis made easy pe videos mil jayenge, future and option basics pe, basics of stock market, isme aapko mutual fund kya rehta hai, kaise choose karte hai, uske upar bahut sare videos mil jayenge. And the course which I am giving you right now, I'll just edit it and I will change the price and I will give you a discount right now. Yeah, so this is the course, and the value of the course which I already told you was 1299, and today for the webinar only forex is that no I am not teaching forex as of now. I am only teaching basics of stock market, basics of option futures, investment methods, option and future strategies, and few bonus strategies on commodities, but no currency as of now. I'm not trading in currency, so I'm not teaching it also. I am teaching only what I am personally doing. I'm not just teaching for the fun of it or heck of it. I'm only teaching what I've already done, I am doing, or I am personally practicing. So as I told you, the course is here. And the cost of the course is 2999 on webinar special offer, and I am just pasting it into the group right now. If you make the payment, then please drop me a message on my WhatsApp number. I'll just share my WhatsApp number here. Yeah, so please share your details on this WhatsApp number so that I can add you. Once you join the make the payment and join that course, you will anyways be directly made a student and made an entry, and all the formalities will be done by the team. But just drop me a message on the WhatsApp so that I can personally get to know you and talk with you. So ये हो गया अपने चैट का, जो मैंने आपको बताया था, आपके आप अपना डिटेल्स दिया है उसमें आप वो कर सकते हैं. अभी हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है. सो वी स्टार्टेड विथ अ कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज लर्न अर्न. सो फर्स्ट अर्न एंड देन यू लर्न. लर्न एंड अर्न तो सभी कराते हैं मार्केट में, बट हम लोग हमारे ग्रुप में वी हैव स्टार्टेड अ कंसेप्ट इन विच वी मेक आर मेंबर्स स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम डे वन, एंड आफ्टर दे हैव फिनिश्ड दे आर स्टिल इन अ पोजिशन टू टीच अदर्स. या थैंक यू सिकंदर जी, वेलकम टू द ग्रुप. थैंक यू सिकंदर जी. एंड I will make sure the team gets back to you. Once you have downloaded the app and made the payment, you will get a welcome message. And yeah, thank you. So from amongst the group, is any of my members present here?
I hope Mr. Ashish Akuji is present. So can Mr. Ashish Akuji please unmute? And I think Neha ji is present. Kiran ji is also present. So can some of you please unmute my members? And can you? Yeah, yeah. This is Dr. Kiran. Yeah, yeah, Kiran ji. Welcome, welcome, Kiran ji. You took out time on Sunday. We took time out for Feroz. Thank you, thank you. Yeah, so can you share your experience for the last, I think you have already finished 3 weeks, 4 weeks? Yeah, we have finished. I'm not onto this course, but I'm on the T3 course. No, so you are into the 5% Wellpreneur group. Yes, 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 yes. So yes. You are a composite member. Don't worry about it. Okay. So sorry. You don't need this course. You are my member. That's what I was going to tell them about this Wellpreneur group. And that is what I wanted you to share first. And then I want them to introduce to this 5% Wellpreneur group. Fine. See, I'm into this particular option trading since about a year or so. But the strategy which Dr. Feroz has devised, that is the T3 strategy, is different from what I have heard today. But the group is fabulous, and I have gone through all the literature that he has given, the books that he has given, the strategies, the videos. They are excellent. And, being a doctor, I'm also a doctor, by the way, for those who are there in the audience right now. So for a doctor, a source of second income is mandatory. And, these strategies are so important, and the backtesting. So the most important thing is the backtesting. The StockMock app or the StockMock website that on which Dr. Feroz has shown the backtesting of all the strategies, that is just too good. And I think one must subscribe to any of the courses which he or she feels appropriate, and then start with the trainings. Dr. Feroz will be able to tell you how much amount will be required and how much time you need to devote for the entire sessions or for the entire trainings. Thank you. Yeah. So Kiran ji, how much are you trading in T3? Yeah, I'm trading in T3. Yeah. So T3 system, you have been using for how many weeks now? See, it is just about 4 weeks. So we must have finished about 4 trades. Yeah. So 4 trades. And I want to ask only 2 questions. Yeah. Since you already have been doing trading from quite a long time. Yeah. आपको पुरानी ट्रेडिंग मेथड्स जो आप यूज करते थे और T3 जो आप अभी यूज करते हैं उसमें टाइम वाइज एंड प्रॉफिट वाइज, क्योंकि दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. Yes. मेरे को कितना प्रॉफिट आ रहा है और मुझे कितना टाइम देना पड़ रहा है. Okay. तो कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स, आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है और आपको कितना टाइम देना पड़ता है. Okay. एंड वन मोर यू फिन कैन ऐड द कैपिटल विच यू आर यूजिंग फॉर वन लॉट. ओके फाइन. I am पहली बात तो टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है रफली 10 minutes to 15 minutes इन अ वीक फॉर द T3. 10 to 15 minutes ज्यादा नहीं लगते, 10 to 15 minutes. और वो भी लगता है 10 to 15 minutes ऑन द ट्यूजडे एंड ऑन द थर्सडे. Rest all, you don't require any time. As far as the amount is required, I have put about 10 lakhs, so I am doing 10 lots. Yeah, so approximately. And the profit, you can say about 2 to 3%. Yeah, so 2 to 3% per week. Yeah, per week. So that is more than we are claiming. We just want 4% per month. Yes, yes. We just want 4% per month. Agar 4% per month mil raha hai, so you are doubling your capital every 2 years. This is just a conservative estimate, because if you do the back testing, so 85% of the times you are right, 15% yeah. There are losses. So you have to take everything into consideration. Yes. So the main difference between the systems which we are following at T3 and the Bank Nifty option systems which we discussed today, and the course per se, jo Bank Nifty options ka hai, it requires screen time. This requires screen time. Some yes. of the strategies require screen time. These are for people who are interested, who are
who like spending time on screen and doing daily trading, and they can do this as a primary thing also. This Bank Nifty option and stock options and other systems, which we will also learn in our T3 system, in our Wealthpreneur group also, you will be learning these systems. But being a wealthpreneur and a professional on top of it, with a job as a job or a profession as a primary occupation and stock market as a secondary source of income, our systems of passive income will be different. These will be additional systems which you will be learning, because I want that my wealthpreneur group ka member, when he talks outside, he is fluent about the market. Nobody can question his knowledge about the market. That is the main concept with which we are driving the force right now. So for all those who want to know what this 5% wealthpreneur group is, and I'm very thankful to Dr. Kiran sir for taking his time and doing this for me today. Wealthpreneur group mein, apart from these things which we will be teaching you into the intraday and positional options for stocks, options, Nifty and Bank Nifty, we will be also teaching you the independent wealthpreneur model, in which there are two models, investor model and a trader's model. In the investor's model, we will see different strategies of investment. Strategies rehti hai investment ki bhi. Aisa nahi hai ki investment hai to aaj aaya bhai Reliance ke le lo 500, kal aayega Bajaj ke le lenge. Aisa nahi. There are strategies for investment. Agar kisi individual ka investment interest jada hai and he wants to be an investor, this is a very good model. Iske andar different types of investment strategies hum log seekhenge. Isme seasonal investor, value investing, growth investing, and the most important is techno fundamental way of investing. Kyunki sab log jhagadte hai ki bhai technical kaam ka hai ki fundamental analysis kaam ka hai. To dono hi apni apni jagah sahi hai, dono ka hi apna importance hai. Kyun jhagadne ka? Combine both of them. The fundamental will tell us which stocks to buy, and technical will tell us when to buy them. Combine them and make a better investment. That is what the Kansley model is all about. So Kansley model of investing, we will learn an independent wealthpreneur. Then there is a traders module, in which we have already completed this traders model in our wealthpreneur group. And that is about peaceful, profitable trading. Now all three words are important for me. I want to do trading because it is my passion. I want to be profitable because with profit nahi kama raha hu to trade kaise karunga. But on top of it, I want it to be peaceful. Dimag ko tension nahi chahiye. Main agar 9:15 baje se 3:30 baje tak samne baitha hu aur chirchir kar raha hu ki bhai ye ho gaya, wo ho gaya, mera market ka price gir raha hai to main mere staff pe chilla raha hu, mere loss ho gaya to main mere वाइफ पे और बच्चों के साथ में चिड़चिड़ कर रहा हूं, तो दैट डजंट मेक सेंस. फिर मेरा ये ट्रेडिंग करना कोई फायदा नहीं, बिकॉज ट्रेडिंग आखिरी में अपन पैसे के लिए कर रहे हैं, और पैसा अगर अपन चिड़ के या फिर अपनी तबीयत खराब करके कर रहे हैं तो डजंट मेक सेंस. तो पीसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट भी हो जाए, ट्रेडिंग भी बढ़िया हो जाए. और इसमें हम लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जिसमें बेसिकली मैक्सिमम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज है, कुछ ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज भी रहेगी जो ट्रेंड फॉलोइंग रहेगी, बट दे विल ऑल्सो बी पीसफुल स्ट्रैटेजीज. इसके अलावा द इंट्राडे ऑप्शन मास्टरी कोर्स, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो आपको टोटली फ्री मिलेगा. और इसके अंदर दैट इज अ टोटली डिफरेंट, ये 1 month के अलावा आपको ये 6 weeks का अलग प्रोग्राम रहेगा. उसमें अलग अलग चीजें आपको अलग अलग टाइम पे सिखाई जाएगी. उसमें इंट्राडे स्ट्रेटजीज रहेगी, पोजिशनल स्ट्रेटजीज रहेगी, एडवांस सिस्टम्स ऑफ ऑप्शंस कैसे रहते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी आपको सिखाए जाएंगे. फिक्स्ड प्रॉफिट सिस्टम्स भी रहते हैं, वो भी आपको सिखाए जाएंगे. एंड अपने खुद के अल्टरनेट सिस्टम्स कैसे बनाने हैं, वो भी सिखाएंगे. तो जैसे मैंने बैक टेस्टिंग आपको आज करके दिखाया, तो 5 साल का बैंक निफ्टी बैक टेस्टिंग, इट हार्डली टुक व्हाट, 3 मिनट में हो गया. जितने टाइम में मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी का कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है एक लॉट सेल करने का, उतने टाइम में मेरा 5 साल का डाटा बैक टेस्ट हो गया. तो ये आपको सिखाएंगे बैक टेस्ट कैसे करते हैं. इसका वैल्यू तो
बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिविजुअल कोर्सेज ही आज आप देखेंगे मार्केट में तो भी बहुत लोग ऑलरेडी ट्रेडर्स है, तो इसका इंडिविजुअल वैल्यू इंट्राडे ऑप्शन तो बहुत लोग इंडिविजुअली 6-7 हजार में बेचते, 12-15 हजार पोजिशनल स्टैंडल स्टैगल्स का कोर्स है जो 15,000 में सेल होता है, एडवांस सिस्टम्स जो है ये अबाउट 10,000 में सेल होते हैं, और ये अल्टरनेट सिस्टम्स बनाना वाला जो चीज है ना ये बहुत कम लोग सिखाते हैं एवरीबॉडी के, भैया ये सिस्टम बना लो ये बस ये फॉलो कर लो भाई, उसके पीछे क्यों बनाए हैं, क्या लॉजिक है, आप समझोगे तो आप अपना खुद का सिस्टम बना सकते हो, क्यों मेरे सिस्टम पे डिपेंडेंट रहना है आपको, मैं तो दे ही रहा हूं आपको सिस्टम्स बट आप अपने सिस्टम्स भी तैयार कर सकते हो। तो ये अगर आप देखोगे इन सब का टोटल वैल्यू होता है 70,000, बट आपको वो 1,41,000 वैल्यू भी नहीं देना है, आपको वो भी नहीं देना है, और 24,999 ये इसका ये प्राइस भी आपको नहीं देना है। आज का वेबिनार में अगर आप ये बुक करते हैं तो यू कैन बुक इट एट 9999 एंड यू विल गेट द 2999 वाला कोर्स फ्री विद दिस, यू विल बी इन द 5% ग्रुप, आपको वो ग्रुप पूरा फ्री हो जाएगा, आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, बोनसेस सब फ्री मिल जाएंगे। तो इफ यू वांट यू कैन बुक दिस, मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूं और इसकी प्राइस भी आपके लिए डिक्रीज कर देता हूं। लेट मी टेक सम क्वेश्चंस नाउ बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग, मैं इसका एक बार ये कर देता हूँ एडिट, और ये कोर्स का रेट भी मैं आपका कम कर देता हूँ। You can even if you want, you can take easy EMI options on your credit card using your credit card or debit card. There is an option for EMI for this course. अगर आप जाओगे और इसमें देखोगे तो you can use your credit card. And if somebody has taken the course which is there, like Sikandar sir, if you have already taken the course, बट इफ यू वॉन्ट टू टेक दिस कोर्स डोंट वरी, आपने जो फीस भरी है वो डिफरेंस कैलकुलेट करके यू कैन अपग्रेड दिस कोर्स, यू हैव इन अ वे बुक्ड योर कोर्स फॉर दिस, इवन बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको लगता है कि यू वॉन्ट टू टेक दिस ऑल्सो, आई विल मेक श्योर कि आपको वापस से 10,000 नहीं भरने पड़े, आपके जो 3,000 भरे है वो उसमें से माइनस हो जाए, तो डोंट वरी अबाउट इट सिकंदर सर, एंड उसमें कोई ये नहीं है। If you want, you can any time you can tell me that you want to upgrade and take that course. So I'll make the necessary changes. Don't worry. So let me take a few questions now. And if you're making the payment, then please let me know so that I know who all have made the payment. Thank you for making the payment. Yeah. Yes, I'll get back to you. And I have received messages. Yeah. The 2999 course will be live and you will also get a recorded version of the course. So that if you have missed it, you can go through it any time of your convenience. But it is a live course so that after explaining, you can get a chance to ask me questions. Clear your doubts. How many days this course is? The course of 5% Wealthpreneur is a 1-year course. And the course which we are talking about right now is the option course, which is of 1 month. The duration of the course is 1 month. We will finish the course in 1 month. But if you have doubts, don't worry. We are there with you, not just for this 1 month course. We are there with you for lifetime. Don't worry about it. After 1 month of completion,
you will have access to the videos for 1 year. You will be there in the group for 1 year and you will be part of the community for lifetime. DTR, second indicator, scores duration, time schedule already answered, Forex already answered. Okay, thank you, Purviji. Thank you, welcome to the group. Welcome, welcome. Yeah, so all those who have made the payments, yeah, thank you and welcome to the group. I will confirm once again, I have already dropped my WhatsApp number. Please drop a message so that I can add you personally to the WhatsApp group and the team in the app will add you to the apps group. Don't worry, you will not have any issues. And you plus you have my WhatsApp number. If there are any issues, please do contact me and let me know. What will be added in the separate group? Yeah. Ronak sir, you will be a separate group will be made and this 2999 course group batch will be totally different and you will be added to that group and we will be having sessions on Bank Nifty option trading strategies in that group. Plus, as a bonus, I have told you that I will be giving you the expiry strategies. So we will give you that strategies also. Don't worry. And yeah, so plus you will also get the free access to all the free material. Yeah, all the free material. Don't worry. Free material is for everybody. That is like anybody, please, everybody, please download that app and join that. There are two ways you can access this app. One is by downloading it on an Android or an iPhone. And second is you get access through this website, which is called as webclassplus.com and our organization code is OSXUV. So I will write the organization code so that there is no confusion. Even if you have an Android or an iPhone, you will be able to join that through your iPhone or Android. And in the class, you will be able to watch the videos on the app also in the mobile or on your laptop also by going to the web page and logging in and watching it on a laptop. So it's a very convenient way, whatever is convenient for you. Second thing, the app, which we mean the main purpose of the app was the ease with which, because everybody nowadays carries mobile phone. So even if I don't have a laptop, but I have time, I can just go through the app and get it. So the ease with which we can handle the app, it is good. Yeah, yeah. Welcome, 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 Gurbiji. Yeah, yeah. So these are the two things which are there as of now. And those who have joined today, I'm thankful to them. Secondly, if anybody wants, then use the code which is given right now. These codes will not be there, will not be valid after. And the offer which is there is right now only. The people who are from my 5% Wealthpreneur group, please don't join this because you have already paid me. So don't spend again. Any other questions? So I will just unmute, allow unmuting. And if there are any questions, anybody wants to ask anything about the strategies which we have discussed, anything about stock market in general, option trading in particular, Ronak, you have paid already. Okay, thank you, thank you. Welcome to the group, Ronakji. I'll just confirm. By the time, if anybody has any questions, then please go ahead, unmute yourself and please ask me.
Yeah, so Ronak ji, I have already received your, Ronak ji, Purvi ji, Sunil ji, Swami ji, I have already received your payments. Yeah, thank you. I have received your payments. Thank you. Which was one more strategy? Yeah, good. So Parthik ji is the one who is really interested. Yeah, so nobody else is asking about the other strategy. Will be WhatsApp group or Telegram? It will be a WhatsApp group. Telegram is there, but we are not so active on Telegram as of now. But there is a system in which in app only, we will form a group and app group will be there. Along with that, we will be having a WhatsApp group to start with. And if there are any other groups, I will go on adding you to those groups. But these are the two groups. So in app, a batch will be made by for this intraday option strategy. Yeah. So yeah. So last strategy. How many of you are still interested in learning that? So before I go to that strategy, I will like to ask you a couple of questions regarding what happens when I try to buy, for example, if I want to buy this ITC and ITC is presently trading at 232 rupees and I want to buy ITC if it goes above 235, is there any way where I can buy this ITC if it goes above 235? Can anybody unmute and tell me? Come on, everybody, you can unmute and tell me. And if you don't know, then type don't know. You can place a limit order. Yes, exactly. So if you place a stop loss limit buy order, and you place a trigger price of 235 and a price of 235 also you can put, but if on the safe side I put 1 rupee above it and I place an order, then ITC buy order will be placed. Okay. What will happen if I place 236 limit order directly, it will try to buy it at whatever price which is available below 236. So my price will be executed at any price which is below 236. But if I want it to be executed above 235 or 236, then I have to place a stop loss buy order. Got this point? First thing which we want to know. Now, second thing which we want to do, we will be using a 15-minute chart, and every day what we will do at 10 a.m. So this is 10 a.m. At 10 a.m., I will mark the highest high and the lowest low of Bank Nifty. So this is the highest it made before 10 and this is the lowest it made before 10. The candle closed at 10. So this is the lowest it went. And this is the highest it went. Now, what will I do? The highest point was 38,794. And lowest was 38,424. And the Bank Nifty after 10 a.m. it is trading at close to 38,500, between 38,400 and 38,500. So this is the candle we are talking about. So this is the time. So for example, the stock is moving like this, the first 15 minute candle,
the second 15 minute candle, third 15 minute candle, fourth 15 minute candle. So the fourth candle which was formed, which was completed at 10 o'clock. At 10 o'clock, I will mark the highest high and the highest low. And I will see price is the Bank Nifty trading at. So Bank Nifty is trading at 38,514. So what I will do... Sorry for the disturbance. So what I will do, I will take stock price 38,500 CE and 38,500 PE. Now I won't be able to show you because the last week's expiry has already expired. So that option, even if we try to search, it won't show. Bank Nifty 38,500 CEP of 10th February, it will not show. Okay. But for example, let us consider that we are sitting here 38,500 on 17. We are just taking a hypothetical situation. 38,500 PE. So what I will do, suppose this is 10 a.m. right now and I am seeing that Bank Nifty this is a 15 minute chart and now I am seeing I have come till here and I am seeing this candle right now. Okay, so Bank Nifty is sitting at 38,514. So what I will do, I will go and see what is the highest high made at 38,500. So it is 597 and I will see what is the highest high made at 38,500 P. So it is 510. So now I will go to orders and I will place two orders. One, I will place buy order for 38,500 CE. So highest high which was made what 597.55. So I will put a stop loss buy order. So 598, and I will 10 points above it, I will put my trigger 608. So this is a stop loss buy order and I have placed it. Similarly, I will go ahead and put a buy order for 38,500 PE. The highest point which it gave was 510. So 510 is my trigger and 520 is my execution price. As soon as I place these two systems, now I am not concerned about what the market does and what is going to happen during this time. So what might happen after this, the market started moving. It was moving sideways. So neither my call nor my put was getting executed. It was in a complete day. Neither my call nor my put got executed. Okay. What might have happened? Suppose if I had been on the previous day and this was the high made before 10 o'clock and this was the low made at 9:15. Yes. And this is the low which was made at 10 o'clock. This is the low made. Okay. So if this had been the day, then as soon as this low would have broken, then my put option would have executed. And my
stop loss would be 40 points. And my target will be 40 points. First target. If I am trading in a single lot. So I'll be buying one lot, keeping a stop loss of 40 points and target of 40 points. And this I can do every day. I don't have to wait for any setup. I just have to mark the high and the low of the candles made before 10 and the highest price of the call and the highest price of the put at the money at that time. If the market goes and trends in a range, I am not getting a trade. So my money is safe. If the market goes down, my put option gets executed. If the market is going up, then my call option gets executed. So this is specially a strategy for people who are trading with capital like 15,000, 20,000 rupees and who want to earn about say 500, 700, 1,000 rupees per day. So just 40 rupees stop loss and 40 rupees target. Okay. And every time you will see that this target is will get hit. Now, what might happen that this target might get hit? Then you might come here, even this target you might get. And sometimes a full day might pass and you might not get any target hit like it happened in the Friday. Okay. So this is one more strategy. Any doubts about this strategy? Any doubt? In shorts, okay, I'll take the questions. If there's any doubt, please type in short straddle if approximate profit per day. Ask again, can you repeat the question? Can repeat question. Ask again, please. In short straddle, if approximate profit day is 500, how much will be the transaction charges, etc.? So considering everything, every expense and slippages and the brokerage and everything, for a single lot, the return of investment on one lot is close to 40% per annum in the range of 40%. And what we want is just 4% per month. That is what we are aiming at. We just want to earn 4% per month. If we are able to generate 4% per month through passive systems without affecting our primary profession, we are doubling our money every 2 years. So no worries. वो एक कहानी थी ना कि भाई एक साधु आते हैं और बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं. फिर महाराज उनको बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए. तो बोलते हैं कि भाई मुझे आपके चेस बोर्ड पे एक दाना रखो और उसको सिर्फ हर खाने पे डबल करते चलो. बस इतना ही चाहिए. द कंपाउंडिंग विच विल वर्क इन दिस नो दैट विल बी एग्जेम्पलरी. तो अगर आप ये सिस्टम को बिल्ड करते हो फॉर वेल्थ क्रिएशन तो इट विल वर्क रियली वंडर्स. नेम कृष्णन जी. नेम किस चीज का कृष्णन जी? टाइम फ्रेम. सी सरोज जी, टाइम फ्रेम डजंट मैटर. नेहा सरोज जी, टाइम फ्रेम डजंट मैटर क्योंकि अपने को क्या करना है, 10 के पहले का टॉप और बॉटम मार्क कर देना है. एंड आफ्टर दैट टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अपन सिर्फ कॉल और पुट का हाई मार्क करके उस पर अपना स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दे रहे, है ना. स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे और उसमें अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा. उसमें आई शो यू वन अदर वे व्हाट यू कैन डू. सी इफ यू आर trying this system for the first time, then do one thing. First, do at least 15 paper trades. Paper trade karke dekho aap ki ye system aapka work kar raha hai ki nahi. Second, when you are placing the order here, jab aap yahan pe buy order place kar rahe ho, to aapke paas yahan pe option aata hai. Ye regular order jab apan place karte hain na, abhi to AM orders chalu hai. तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन आता है. तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे ना कीप योर स्टॉप लॉस इज -15% एंड टारगेट एज 15% प्रॉफिट लॉस. यानी अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 15% पे हिट हो जाएगा. 15% टारगेट आ गया तो 15% टारगेट हो जाएगा.
And this will give you about 70% accuracy, 70% of the trades. 10 में से 60 ट्रेड आपको टारगेट्स देखे जाएंगे और 10 में से 3 आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ से 24 डेज अप्रोक्सीमेटली आपको 17-18 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल मिल जाएंगे. और अगर आप एक लॉट ले रहे हैं, एक आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए 15,000 to 20,000 के बीच में लगेगा पैसा फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर वन लॉट. तो 20,000 में अगर आपको 20,000 डालकर अगर आपको रोज भी 500-600 रुपए भी मिल रहे हैं और आप 20 दिन ट्रेड कर रहे हो तो आपको इजीली 50% ऑफ द अमाउंट आपको अपना मिल जा रहा है ना. तो आइडिया ऑफ द स्ट्रेटेजी इज बिहाइंड द स्ट्रेटेजी इज कि आपको कम इनकम में कम कैपिटल के साथ रेगुलर प्रॉफिट्स कैसे लेने. सर टाइम फ्रेम, अच्छा स्पॉट प्राइस बिफोर 10 AM. या बिफोर 10 AM नहीं, 10 AM को आपको हाई और लो उस दिन का मार्क कर लेना है. उस दिन का हाई और लो कितना हुआ, 10 बजे तक कितना हाई मारा और 10 बजे तक कितना लो मारा. और अगर 10 बजे के हाई को ब्रेक करता है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे. अगर 10 बजे के लो को ब्रेक करता है तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे. तो ये ऑर्डर आप पहले से लगा के रख देंगे. मार्केट कभी भी कितना भी जाए, कभी भी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका ये स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर रहेगा तो सिस्टम में रहेगा. स्पॉट और फ्यूचर चार्ट टू फॉलो इन ट्रेड इन ऑप्शंस. आई फॉलो स्पॉट चार्जेस, स्पॉट चार्ट्स. आई डोंट यूज फ्यूचर चार्ट्स. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू सुब्बू जी, अमेजिंग एनर्जी. थैंक यू सुब्बू. एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चंस भी है तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट पोस्ट इन द ग्रुप, पोस्ट इन द व्हाट्सएप. कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टीज है, आपको नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज डू पोस्ट इन द ग्रुप. लैंग्वेज क्या कुछ बोल रहे थे लोग, अगर कुछ इश्यूज है इंग्लिश हिंदी मराठी, आई कैन इवन स्पीक मराठी. मराठी मध्ये काही समजत नसेल तर सांगा मला, मी मराठी मध्ये समजवतो. त्यामध्ये पण काही इश्यू नाही मला, मी बोलू शकतो मराठी पण बोलू शकतो. खूप वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये आहे तर मराठी बोलायला पण काही हरकत नाही मला. आणि जर तुमचं काही समजलं नसेल, काही कन्सेप्ट तुम्हाला इंग्रजी किंवा हिंदीमध्ये मी जसं सांगितलं जर नाही समजलं असणार तर काही काळजी करू नका, तुम्ही मला सांगा, मला व्हॉट्सअप करा, मी व्हॉट्सअप नंबर दिलेलाच आहे. जर तुम्हाला काही नाही समजलं बेसिक स्टॉक मार्केटमधलं, तुम्ही ऍप डाउनलोड करून तुम्ही व्हिडिओ बघत आहे, मॅक्सिमम व्हिडिओ इंग्लिशमध्ये आहे, पण जर तुम्हाला काही व्हिडिओमधलं कन्सेप्ट नाही समजलं फ्री याच्यामधलं तर तुम्ही व्हॉट्सअपवर मेसेज करा मला, मी तुम्हाला ते समजवायचा प्रयत्न करणार. ओके, आणि माझी रिक्वेस्ट आहे की जेवढे लोक आहे त्यांनी कमीत कमी याच्यामध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आपलं कसं एक्सपिरियन्स होतं ते सांगा. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल, आणि हा रिक्वेस्ट आहे की ऍप डाउनलोड करा, म्हणजे ऍप डाउनलोड करून शेअर करा जास्तीत जास्त लोकांसोबत. ही कम्युनिटी बनवण्यासाठी माझी मदत करा, कारण 10 लाख लोकांपर्यंत पोहोचायचं आहे. तर विजन तर खूप मोठं ठेवलं आहे, पण मदत लागणार तुम्ही सगळ्यांची. मदत असेल तर लवकर होऊन जाईल. तो आय एम थँकफुल टू एव्हरीबडी फॉर टेकिंग आउट टाइम स्पेशली ऑन अ संडे. अँड प्लीज हेल्प मी टू मेक दिस मिशन ऑफ माइंड, द विजन ऑफ माइंड टू बी फुलफिल्ड. अँड प्लीज डू शेअर द एक्सपिरियन्स इन द ग्रुप फ्रॉम वॉट एव्हर व्हॉट्सअप ग्रुप यू आर, हाऊ यू फाउंड द वेबिनार टुडे. Is there anything else you want me to teach you regarding the basics or the other things in stock market? I would love to come and have a word with you and discuss various topics. And please join the app, share the app with your friends and families, and help me achieve my vision and mission of reaching 10 lakh investors and traders. So that's all from my side, and it was lovely talking to you, and I'm really thankful for all of you who stayed till the end. So thank you. Thanks a lot. If there are any questions, please do post in the group. Okay. Any questions I have missed? Okay. Thank you. Thank you, Nehaji. Thank you, Krishna ji. Thank you. Thank you, Deepak ji. Okay. Thank you.
Thank you, Ajit ji. Thank you, Krishna ji. Thank you, everyone. So we'll end the meeting now. Okay. See you soon. Yeah, Ronald ji, see you soon. Thank you. Thank you, Vikas ji. Record.
Thank you.